फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है। कथांकन मनोरंजन को ध्यान में रखकर किया गया है। यह फिल्म भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, त्याग और बलिदान को एक श्रद्धांजलि है। यह फिल्म भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लड़ी गई किसी वास्तविक घटना या वास्तविक लड़ाई का आधिकारिक खाता या चित्रण नहीं है। फिल्म का लेखन काल्पनिक है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री और सूचनाओं पर आधारित किया गया है। फिल्म निर्माताओं ने इसे चित्रित करने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता ली है। निर्माता फिल्म के विषय के संबंध में दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकारते हैं और उनका सम्मान करते हैं। फिल्म में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति या समुदाय, धर्म या संस्था को बदनाम करने या किसी भी आस्था, विश्वास, व्यक्तियों या भावनाओं को आहत करने के अभिप्रेत से नहीं बनाया गया है। हम भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम करते हैं। जय हिंद। बॉलीवुड का सिनेमा आजकल बड़े दिल से देश के इतिहास को पर्दे पर रच रहा है या उसका फेवरेट विषय हो गया है, लेकिन इसमें कुछ सुविधा भी हैं और कुछ दुविधा भी। सुविधा यह कि पन्नों में दर्ज घटना आधारित रेडीमेड कहानी मिल जाती है, और दुविधा यह कि कितनी हकीकत दिखाएं और कितना फंसाना। वैसे अच्छी बात यह है कि देश प्रेम की भावनाएँ फिलहाल दर्शकों का प्रेम मिलाने की गारंटी बनी हुई हैं। विचार और तर्क लगभग हंसी पर है। इसी कड़ी में ताज़ा फिल्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आज शाम रिलीज हुई पुश द ब्राइड ऑफ इंडिया। सितारों के लिहाज से इसमें ऐसे नाम हैं जो सहज ही दर्शकों को आकर्षित कर ले। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अपनी डांस प्रतिभा और मासूम खूबसूरती से तमाम दिलों पर इन दिनों राज कर रही नोरा फतेही, इन सबको मिलाकर देखें तो सितारों के बहाने फिल्म के लिए एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन जाती है। राजनीति और समाज में इधर राष्ट्रवाद मुख्य स्वर बना हुआ है। ऐसे में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया उन फिल्मों में से है जिसका इंतजार किया जा रहा था। यह बनी तो बड़े पर्दे के लिए थी, मगर कोविड संकट के कारण सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच सकी। अधिक विलंब ना करते हुए अब इसे छोटे स्क्रीन पर उतारा गया है। फिल्म 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर लगातार पश्त पड़ते पाकिस्तान के हुक्मरानों, सेना अधिकारियों ने सोचा कि भारत पर पश्चिम दिशा से हमला किया जाए। मोर्चे पर लड़ना भारत के लिए संभव नहीं होगा, अतः पश्चिम में जीत हासिल करके पूर्वी मोर्चे की सौदेबाजी की जाएगी, क्योंकि यह बात उन्हें समझ आ चुकी थी कि पूर्वी पाकिस्तान उनके हाथ से निकल गया है।
उसकी जगह बांग्लादेश बनेगा। अतः आखिरी उम्मीद पालते हुए पाकिस्तानी तानसाह और सेनाध्यक्ष हयान खाना का संवाद था कि पश्चिम में अप्रत्याशित हमले से राजस्थान और गुजरात के इलाकों को जीत कर वह भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ दिल्ली में चाय पियेंगे, बांग्लादेश के एवज में कुछ मेल भाव करेंगे। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में यह सब विस्तार से समझाया और दिखाया गया है। पाकिस्तान ने अपने इन नापाक इरादों के साथ राजस्थान, पंजाब और गुजरात की हवाई पट्टियों पर बम बरसाए थे। खासतौर पर कच्छ स्थित भुज की हवाई पट्टी पर सैकड़ों बम कर उसे पूरी तरह से बेकार कर दिया गया था, ताकि पाकिस्तान का जमीनी हमला हो भारतीय विमान उसे रोकने के लिए वहाँ न उड़ पाए। हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह और कई हवाई ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की कहानी मुख्यतः भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक के बहादुरी और दूरदर्शी फैसलों की बात करती है। जब पाकिस्तानी हमले से डरकर हवाई पट्टी बनाने वाले इंजीनियर भाग गए, दर्जनों सैनिक घायल होकर अस्पताल पहुंच गए, तो उन्होंने पास के गांव के करीब 300 स्त्री पुरुषों की मदद से रातों रात फिर से हवाई पट्टी तैयार करा दी, जिससे सैनिकों को लाया वायुसेना का विमान उतर सका और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया गया। आम लोगों द्वारा जान पर खेलकर बनाई इस हवाई पट्टी ने न केवल वायुसेना का हौसला बुलंद किया, बल्कि पूरी आन बान शान से देश की जीत का इतिहास भी स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। फिल्म बताती है कि आम आदमी समय आने पर कैसे अपना घर बार त्याग कर देश और सेना के साथ खड़ा हो जाता है। विजय कर्डिक के रोल में अजय देवगन जमे हैं। अपनी आंखों से अभिनय करने वाले अजय यहाँ भी दर्शक में भावनाओं का ज्वार पैदा करने में कामयाब हैं। फौज की मदद करने वाले राखी सदस्यता पाए बहादुर ग्रामीण रछोड़ दास पंगी बने संजय दत्त ने अपनी चिर परिचित शैली में बढ़िया संवाद बोले हैं। उनका एक्शन भी जबरदस्त है। निश्चित ही सिनेमाघर में उन्हें इस काम के लिए तालियां मिलती हैं। सोनाक्षी सिन्हा अपने रोल को निभाने में कामयाब रही हैं, मगर नोरा फतेही अपनी छोटी सी भूमिका में छाप छोड़ जाती हैं। फिल्म को भव्य ढंग से शूट किया गया है और कैमरा वर्क जबरदस्त है। VFX ने हवाई हमलों और युद्ध के दृश्य में जान डाली है। एडिटिंग कसी हुई है और देखने वाले को पता नहीं लगता कि समय कब तेज हवा की तरह गुजर गया। स्क्रिप्ट में जरा दम होता तो फिल्म का प्रभाव अधिक हो सकता था। रोचक बात है कि इसे 4 लोगों ने मिलकर लिखा है। टीवी के लिए कई सीरियल बना चुके अभिषेक दुधैया पहली बार बॉलीवुड में बतौर निर्देशक उतरे हैं और भव्य फिल्म बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने फिल्म को इतना अधिक तथ्यपरक रखा है कि कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्री जैसा फील कराती है। वार फिल्म होने के बावजूद निर्देशक ने इसमें गीत संगीत को भी पर्याप्त जगह दी है। अच्छा यह है कि कहानी में यह गाने रिकॉर्ड नहीं बनते। इस 15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अपनी सेनाओं के शौर्य पर गर्व जगाने वाली यह सटीक फिल्म है। बीते साल कोरोना संक्रमण से पहले रिलीज हुई फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर जिस एक चीज के लिए बरसों बरस मिसाल के तौर पर याद की जाएगी वह है इसके विजुअल इफेक्ट्स। इन्हें बनाने वाली कंपनी अजय देवगन की ही है, NYVFX वाला। इसी कंपनी ने भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के विजुअल इफेक्ट्स भी तैयार किए हैं। फर्क बस फिल्म के निर्देशक का है। टीवी पर हजारों एपिसोड बना चुके मुकेश दुधैया उर्फ अभिषेक दुधैया ने अपनी डेब्यू फिल्म में जो किया है उसके लिए अजय देवगन के फैंस उन्हें अरसे तक माफ नहीं करेंगे। देशभक्ति, दिलेरी और धरती का कदम दिखाने वाली एक अच्छी खासी कहानी का उन्होंने 4-4 पड़कता लेखों के चलते पूरा गुड़ गोबर कर दिया है। कम लोगों को ही पता होगा कि भुज की जिस हवाई पट्टी को रातों रात बनाकर भारतीय वायुसेना का विमान वहां उतारने के लिए भुज एयरबेस के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक ने आसपास के गांव की महिलाओं की मदद ली थी, उसे पूरा गोबर से लिपा गया था ताकि पाकिस्तानी विमानों को आसमान से नजर ना आ सके। हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है और शुरू में इस बात का जिक्र भी है कि फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं का वास्तविक चित्रण नहीं है। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से अजय देवगन के फैंस को काफ़ी उम्मीद दे रही हैं। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने के लिए तैयार हो रही फिल्म साल भर बाद उसी मौके पर रिलीज हुई लेकिन इस बीच इनके नमक में आयोडीन उड़ चुका है। बड़ी फिल्मों को सीधे OTT पर रिलीज करने के डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पिछले साल घोषित उपक्रम फर्स्ट डे फर्स्ट शो की होम डिलीवरी की पहली सीरीज की आखिरी फिल्म है। इस सीरीज के अधिकतर फिल्मों का हासर ऐसा ही रहा सिवाय लूट केस और बिग बुल के।
सीरीज की दो फिल्में सड़क 2 और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में संजय दत्त दिखे और दोनों फिल्में औसत से भी खराब फिल्में रही। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को कुछ देर रक्षा मंत्री राज सिंह ने भी देखा और अजय देवगन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। फिल्म को वर्तमान शायद उनको भी अच्छा नहीं लगा। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अच्छी है भी नहीं। एक तो किसी फिल्म की कहानी जब इसके हीरो को सुनानी पड़े तो कड़वता की कमजोरियों का पर्दाफाश वही हो जाता है। फिल्म के निर्देशक शुरू के 40 मिनट तक तो समझ ही नहीं पाते कि फिल्म को किस करवट बिठाना है और इस चक्कर में झूला झूलती फिल्म हाथ से निकल जाती है। भुज की हवाई पट्टी के जिस मूल कथानक पर फिल्म बनी है वह फिल्म के आखिरी 40 मिनट में है और उसके बाद भी फिल्म बहुत बचकाने लगती है। फिल्म शेरशाह की तरह यहाँ भी दिक्कत वही है कि निर्माताओं को देशभक्ति के तड़के से फिल्म बेचनी है, लेकिन देशभक्ति का तड़के के मसाले हर बार एक जैसे नहीं हो सकते। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया देखने के बाद तो शेरशाह भी फिल्म बेहतर लगने लगी है। अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अपने पहले शॉट से ही खराब इफेक्ट्स के चलते पकड़ खो देती है। फिल्म अभिनय के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी नहीं है। नोरा फतेही का पूरा ट्रैक देख कर यूँ लगता है कि टी सीरीज ने फिल्म में पैसा सिर्फ इसी हिस्से के लिए लगाया गया है। वह आइटम नंबर के लिए ही ठीक है, एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है। यही हाल परिता सुभाष का है। मराठी हीरो के पंजाबी गाने में देखी परिता फिर क्लाइमैक्स के रोल चलाती दिखती हैं। इधर कुछ फिल्मों में अजय देवगन की पत्नियां बनने वाली नायिकाओं का फुटेज हिंदी सिनेमा में लगातार कम होता जा रहा है। ये एक शोध का विषय भी हो सकता है। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में अच्छा काम किया है। गुजराती बाला की बहादुरी दिखाने में भले उन्होंने नकली तेंदुआ पर्दे पर मारा हो, लेकिन उनके हाव भाव तारीफ के काबिल हैं। शरद केलकर, संजय दत्त, महेश शेट्टी जैसे कलाकारों ने फिल्म की फील्डिंग ठीक से जमा तो ली, लेकिन असली पिच ही यहाँ कमजोर निकली। फिल्म में एमी विक्रम के एयरफोर्स पायलट के तौर पर काम किया। फिल्म पटकथा, अभिनय, निर्देशन, तकनीकी पक्ष के अलावा अपने संगीत में भी मात खाती है। एक दो 1971 के मराठी नायक पर पंजाबी गाना फिल्मा कर ही इसके निर्देशन में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बाकी रही से ही कसर पूरी कर दी है क्लाइमैक्स में बजने वाले इसके बेहद बचकाने गाने। कोशिश या हकीकत के गाने कर चले फिदा जा और वतन साथियों की नकल करने की है, लेकिन कैफी अजमी बनने के लिए असल की शायरी पर जिंदा रहना होता है। हाँ, गाँव की महिलाओं के सामने सुनाई गई कविता अच्छी है। फिल्म को कुल मिलाकर जो एक स्टार मिलता है वह है इसके हीरो अजय देवगन की बहादुरी के लिए कि अपने बेहतरीन दौर में उन्होंने सिर्फ देशभक्ति फिल्म के नाम पर यह फिल्म करने की हिम्मत जुटा ली। अपने हिस्से का काम भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म देखना किसी चुनौती से कम नहीं है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक अविश्वसनीय अध्याय की कहानी है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों के उत्पीड़न से लाखों लोगों की मौत हुई। असंख्य लोग हत्याओं से बचने के लिए भारत की ओर पलायन करते हैं, इसलिए भारत भी इस संघर्ष में शामिल हो जाता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान पश्चिमी तरफ भारत के डिफेंस बेस पर हमला करने लगता है। 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना ने अचानक भुज एयरबेस पर हमला किया। कमांडिंग ऑफिसर विजय कर्णिक, अजय देवगन और बाकी सभी इससे हैरान रह जाते हैं। इस हमले में कई लोगों की जान चली जाती है और हवाई पट्टी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान सूरजबाड़ी और बनासकठा पुलों और भुज की ओर जाने वाली प्रमुख 5 सड़कों को भी नष्ट कर देता है। नतीजन भुज और कच्छ देश के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं। भारतीय वायुसेना में विमान भी नहीं उतर सकते क्योंकि हवाई पट्टी नष्ट हो गई है और इसकी मरम्मत करने वाले इंजीनियर भाग गए हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भुज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रही है। इस समस्या का एकमात्र उपाय यह है कि किसी भी कीमत पर रात भर हवाई पट्टी की मरम्मत की जाए। आगे क्या होता है यह बाकी की फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा बिभोरिया की कहानी आकर्षक है और अधिकांश लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। अधिकांश दर्शकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह की घटना हुई और आम नागरिकों ने भी युद्ध में सेना की मदद की। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा बिभोरिया की पटकथा मिश्रित है। फर्स्ट हाफ में कहानी में ज़्यादा विकास नहीं होता है, लेकिन सेकेंड हाफ में लेखक अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। क्लाइमैक्स खासतौर पर बहुत सोच समझकर बनाया गया है। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा भवोरिया के डायलॉग मनोज मुंतशिर द्वारा अतिरिक्त संवाद
ताली बजाने योग्य हैं। ग्रामीणों को समझाते हुए अजय देवगन का मोनोलॉग दिल को छू लेने वाला है। अभिषेक दुधैया के निर्देशन में कुछ कमियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह ठीक है। खूबियों की बात करें तो वह फिल्म के पैमाने को बखूबी संभालते हैं। कुछ नाटकीय और एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से हैंडल किया गया है और यह प्रभाव को भी बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ वन टेक एक्शन दृश्य मनोरंजन बढ़ाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स उत्सुकता बढ़ाने वाला है और यह वास्तव में फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब इस फिल्म की कमियों की बात करें तो किरदारों को अच्छी तरह से समझाया नहीं गया है। सभी प्रमुख किरदारों का परिचय बहुत तेज है। एक आम आदमी के लिए इतनी अधिक जानकारी स्टोर करना बहुत अधिक होगा। इसके अलावा संभवतः फिल्म की लंबाई कम करने के लिए जगह जगह से कई सीन को काटा गया है जो आसानी से समझ आता है। कई एक्शन दृश्यों में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। क्लाइमैक्स में खाई में रड़ छोड़ कर दृश्य जनता को पसंद आएगा, लेकिन इसे बचाना मुश्किल है। साथ ही फर्स्ट हाफ में कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह वंचित प्रभाव डालने में विफल रहते हैं। बुज द प्राइड ऑफ इंडिया के पहले 5 मिनट एक असेंबल के माध्यम से संदर्भ की व्याख्या करते हैं और साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनकी दुष्ट योजना पर चर्चा करने के दृश्य साथ शुरू होते हैं। इसके ठीक बाद थोड़ा ओवर हो जाता है, लेकिन संघर्ष को समझने में मदद करता है। भुज एयरबेस पर हमले का दृश्य चौंकाने वाला है, लेकिन जल्द ही फिल्म फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। यहाँ बहुत से किरदारों से परिचय कराया जाता है और यह भी कुछ ओवर सा लगने लगता है। हिना रहमानी नोरा फतेही का ट्रैक एक बड़ी राहत के रूप में सामने आता है। उनका वन टेक मिरर एक्शन सीन फिल्म के बेहतरीन सीन में से एक है। सेकंड हाफ में कहानी में एक निश्चित ठहराव सा आता है। साथ ही सुंदर बहन सोनाक्षी सिन्हा का परिचय फिल्म में बहुत कुछ जोड़ता है। फिल्म के बेस्ट सीन लास्ट के 20-25 मिनट के लिए रिजर्व रहते हैं, जिसमें से हवाई जहाज के लैंडिंग दृश्य बाजी मार ले जाते हैं। अजय देवगन ने एक आयामी किरदार निभाया है, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से वह पहले दर्जे का है और कुछ दृश्यों का लेवल बढ़ाता है। उनका स्लो मोशन वाम विशेष रूप से काफ़ी रोमांचक है और इसमें सिनेमाघरों में हंगामा मच जाता है। संजय दत्त भी एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसकी पिछली कहानी को ठीक से समझाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी वह अपने रोल में जचते हैं, खासकर लड़ाई के दृश्यों में। सोनाक्षी सिन्हा ने देर से एंट्री ली, लेकिन वह फिल्म का सरप्राइज है। नोरा फतेही अपने अभिनय और एक्शन सीन से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनका एक्शन सीन मुख्य आकर्षण में से एक है। शरद केलकर, आर के नायर हमेशा की तरह भरोसेमंद हैं। एमी विक्र, विक्रम सिंह बाज अच्छे लगते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। पर्दा सुभाष, इहाना ढिल्लो और महेश शेट्टी से ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है। नवनी परिहार निष्पक्ष हैं। जनरल वैखन खान, हिना रहमानी के पदे मोहम्मद हुनैस ओमानी, विंग कमांडर ए साहू, मुख्तार बेग और तैमूर रिजवी की भूमिका निभाने वाले कलाकार ठीक हैं। संगीत ठीक है और इसमें गानों की गुंजाइश नहीं है। वास्तव में रम्मो रम्मो, भाई भाई और यहाँ तक कि प्रसिद्ध जालिमा कोका कला ट्रैक जैसे कुछ गाने गजब हैं। हंजुगम भुलाने योग्य है, लेकिन मेरे देश दिल को छूता है, सोनाक्षी सिन्हा है सुर मालिक हिदाता का भक्ति गीत शक्तिशाली है लेकिन थोड़ा हटकर लगता है। अमर मोहल्ले का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। अजीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली है। कुछ शॉट्स असाधारण के रूप में हैंडल किए जाते हैं। हीरोइन के मामले में अर्चना मिश्रा की वेशभूषा वास्तविक और ग्लैमरस लगती है। नरेंद्र राहुलीकर का प्रोडक्शन डिजाइन विस्तृत है। आर पी यादव और पीटर हेन का एक्शन मनोरंजक और भव्य है। एन वाई बीफेक्स वाला का बीफेक्स एक अच्छे स्तर का है। कुछ दृश्य अच्छे नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर बीफेक्स टीम प्रशंसा की पात्र है। धर्मेंद्र शर्मा की एडिटिंग थोड़ी तेज और बेतरतीब है। कुल मिलाकर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास से एक अविश्वसनीय कहानी को दर्शाती है। प्रदर्शन बेहतरीन है। सेकंड हाफ में फिल्म का रोमांचक स्तर बढ़ जाता है और उत्साहित क्लाइमैक्स फिल्म का हाई पॉइंट है। इस पैमाने पर बनी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होना चाहिए था, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर बनाए दृश्यों से भारी होती है जो दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा करती है। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन पर विजय पाने वाले रियल सुपर हीरो स्क्वाडन लीडर विजय कर्डी की रियल लाइफ की कहानी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया रू पहले पर्दे पर उतारी है। हाउ इज द जोश फिल्म उरी में आपने जाबाज जवानों को देखकर
हिंदुस्तानी का जोश हाई हो ही जाता है। हमारी सेना के शौर्य की न जाने कितनी अनसुनी कहानियाँ, कितने ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं। यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भुज गुजरात के माधापुर इलाके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए वहां रहने वाली 300 महिलाओं के साथ मुश्किलों से जूझते हुए एयर ट्रिप को वापस तैयार किया, जिसमें प्लेन में सवार सेना के जवान सुरक्षित लैंड हो सके। विजय कर्डिक ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस युद्ध अहम भूमिका निभाई थी। हौसले और जज्बे की इसी ट्रू स्टोरी को डायरेक्टर अभिषेक दुधैया फर्स्ट प्राइड ऑफ इंडिया में एक बार फिर जिंदा करने जा रहे हैं। स्क्वाड लीडर विजय कर्डिक के लीड रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में संजय दत्त, पंगी, रणछोड़ दास। स्क्वाड लीडर विजय कर्डिक के लीड रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में संजय दत्त, पंगी, रणछोड़ दास, सवा भाई रवारी का किरदार निभाएंगे। पंगी एक ऐसा शख्स है जो पैरों के निशान से किसी इंसान की हाइट, जेंडर और वजन बता सकता है। फिल्म की बाकी कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोनाक्षी सिन्हा, सुंदर बेन, जेठ मधापराया के रोल में हैं, जिन्होंने वहां की औरतों के साथ वार सिचुएशन में एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया था। पाक के इसी ताबड़तोड़ हमले ने भुज के एयर ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। एयर ट्रिप वो हिस्सा होता है जहाँ प्लेन लैंड होने के बाद कुछ दूरी तक दौड़ता है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक इसी भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। पाकिस्तान युद्ध के इस षड्यंत्र को एक खास ऑपरेशन का नाम दिया गया था। एक ही रात में पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों से पूरा एयर ट्रिप तबाह कर दिया। ऐसे में विजय कर्डिक ने पास के ही एक गांव माधापुर की 300 महिलाओं की मदद ली। वही पंडिती चोपड़ा में रहने वाली एक सिपाही के किरदार में नजर आएंगी। बिघा कोट चौकी पर तैनात मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में राणा दगुबाते से बेहतरीन एक्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। फिल्म को भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है। वार बैकड्रॉप पर बनने जा रही इस फिल्म में पिक्चराइजेशन, प्रोडक्शन और स्टारकास्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। उन्नीस सौ इकहत्तर की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमला कर भारतीय वायुसेना के भुज एयरबेस पर हमला कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ऐसे में भुज के गांव की 300 महिलाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वायुसेना के इस बेस की हवाई पट्टी को फिर से बनाने का काम किया था। 15 अगस्त को इस साल हम आज़ादी का 75वां जश्न मनाएंगे और ऐसे में बॉलीवुड की दो देशभक्ति की भावना से भरी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की शेरशाह एक दिन पहले अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है और कुछ देर पहले ही अजय देवगन के प्रोडक्शन की मल्टी स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म 1971 में पाकिस्तान की भारत के कच्छ पर कब्जे की नाकाम कोशिश को बयां करती है। ये कहानी सिर्फ सेना की ही नहीं बल्कि नागरिकों के जज्बे और उनकी बहादुरी की कहानी भी दिखाती है। जाने आखिर कैसी है ये फिल्म। कहानी 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमला कर भारतीय वायुसेना के भुज एयरबेस पर हमला कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इतना ही नहीं, कच्छ पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी ने कच्छ को हिंदुस्तान से जोड़ने वाले सभी रास्तों को भी बर्बाद कर दिया था। ऐसे में भुज के एक गांव माधापुर की 300 महिलाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वायुसेना के इस बेस की हवाई पट्टी को महज 72 घंटे में फिर से बनाने का काम किया था। इन महिलाओं को अपनी मदद के लिए तैयार किया गया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिका ने ये युद्ध की एक ऐसी ही कहानी है जो आपके दिल को गर्व की भावना से भर देगी। निर्देशक अभिषेक दुधैया की फिल्म भुज यूथ तो एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें संजय दत्त से लेकर शरद केलकर और सोनाक्षी सिन्हा तक कई स्टार हैं, लेकिन यह फिल्म पूरी तरह अजय देवगन को फोकस में रखकर बनाई गई है। वही हीरो हैं और ये साफ है कि फिल्म की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि भले ही सच्ची घटनाओं पर बनी यह फिल्म है, लेकिन इसमें मनोरंजन के आधार पर पटकथा लेखन से स्वतंत्रता ली गई है। कहानी की शुरुआत ही होती है पाकिस्तान की हुकूमत के मंसूबों को दिखाते डायलॉग और भुज एयरबेस पर पाकिस्तानी सेना के हमले से। इस हवाई हमले से बेखबर भारतीय वायुसेना के जवान अचानक जान बचाने के लिए भागते हैं और कुछ लड़ाई में जुट जाते हैं। फर्स्ट हाफ में काफ़ी देर तक कहानी को वॉइस ओवर से ही समझाया जाता है जो कनेक्ट पैदा नहीं कर पाती है। दरअसल इस फिल्म से सबसे बड़ी
दरअसल इस फिल्म में सबसे बड़ी कमी है असलियत की। स्टर से लेकर किरदारों के डायलॉग तक सब कुछ नकली और बनावटी लग रहा है। सेना से जुड़ी फिल्म बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जब तक देशभक्ति से ओत प्रेत भाषण ना दें तब तक आप सैनिक नहीं हैं, जो इस फिल्म में साफ देखा जा सकता है। चारों तरफ से देशभक्ति के डायलॉग की भरमार है। नोरा फतेही का सिक्वेंस तो बहुत ही बनावटी लगता है लेकिन इन सब के बीच भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अजय देवगन और शरद केलकर अपने किरदारों में चमके हैं। शरद केलकर काफ़ी ओरिजिनल और अपीलिंग नज़र आए हैं। वही बाकी किरदारों के हिस्से में भी भारी भरकम डायलॉग्स हैं जो उन्होंने उसी अंदाज में बोले हैं। कहानी में बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं और इसीलिए कई बार किरदारों को और आवाज़ को समझने के लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि आपको लगातार समझते रहना पड़ता है कि आखिर क्या चल रहा है। हालांकि फिल्म का सेकंड हाफ बढ़िया है, जिसमें असली लड़ाई और असली इवेंट साफ नज़र आते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सच्ची घटना से प्रेरित एक मसाला फिल्म जिसमें असली कहानी कम और मसाला ही मसाला हावी हो गया है। देश में इस समय भक्ति की लहर खूब जोर जोर से चल रही है और ऐसे में बॉलीवुड भी उसे भुनाने में पीछे नहीं रहता। बुज भी ऐसी ही कोशिश है, बस इस मसाला एक्शन ड्रामा में असलियत इतनी कम है कि आप प्राउड महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप देशभक्ति की भावना से भरपूर कोई कहानी देखना चाहते हैं तो वो ये फिल्म आप जरूर देखें। साथ ही 1971 की लड़ाई के दौरान 300 महिलाओं के जज्बे की कहानी को सेना की बहादुरी की ये कहानी जरूर देखी जानी चाहिए। हाँ, अगर ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाई गई होती और इसमें कुछ कनेक्ट पैदा करने की कोशिश की जाती तो एक शानदार फिल्म हो सकती थी। मेरी तरफ से इसकी रेटिंग है 2.5 स्टार अकॉर्डिंग टू न्यूज 18 हिंदी। अजय देवगन अभिनीत अभिषेक दुधैया की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया स्वतंत्रता दिवस से पहले रिलीज हुई है। यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक पीरियड वार ड्रामा है। वर्तमान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग फिल्म भारतीय वायुसेना की यात्रा का एक काल्पनिक पुरकथन है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक अजय देवगन भुज हवाई अड्डे के तत्कालीन प्रभारी थे, जिन्होंने अपनी टीम के साथ और माधापार के स्थानीय गांव की 300 महिलाओं की मदद से पाकिस्तानी सेना द्वारा बार बार बमबारी से नष्ट हुए IAF बेस का पुनर्निर्माण किया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय ने दुश्मन सैनिकों को भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश कर रही सेना तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बैकअप में मदद की थी। यह घटना अपने आप में सिनेमा के लिए एक शानदार पहलू है कि कैसे नागरिकों की वीरता ने स्वतंत्रता के बाद से दो पड़ोसी देशों के बीच चल रहे एक क्षेत्रीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण जमीन खो देने से बचने में भारतीय सेना की मदद की। हालांकि यह कहानी सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, फिल्म काफ़ी हद तक लड़खड़ाती नज़र आती है और वैसी अमिट छाप नहीं छोड़ पाती जैसी कि इसमें उपेक्षा की जा रही थी। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर, अमी विकर, परिता सुभाष और नोरा फतेही जैसे स्टार कास्ट के साथ फिल्म अद्भुत काम कर सकती थी। कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है वह वास्तविकता से बिल्कुल अलग है और गाने व डांस सीन का अनावश्यक रूप से आना फिल्म के मूड को खराब कर देता है। जहाँ पीरियड फिल्में और युद्ध नाटक आजकल यथार्थवर्ती अंदाज लेते जा रहे हैं, वही भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इससे थोड़ी दूर है। मुख्य कलाकारों के अलावा बड़े कलाकारों की टीम बिना तैयारी के काम करते महसूस होती है। प्रभावी ढंग से एक युद्ध की कहानी जीवंत नहीं हो पाती। कहानी कहने की शैली अत्यधिक नाटकीय है, जिसमें महिलाएं युद्ध के बीच में टूटे हुए रनवे की मरम्मत करते समय भक्ति गीतों की ओर चली जाती हैं। यह एक सैनिक कई दुश्मन को मार डालता है। फिल्म में बेफेक्स और एनिमेशन का काम पास करने योग्य है और अजय देवगन, संजय दत्त और एक हद तक शरद केलकर को भी अपनी वीरता दिखाने के लिए पर्याप्त क्षण मिलते हैं। अगर आप एक नए स्वतंत्रता दिवस मनोरंजन की तलाश में हैं तो वीकेंड का मजा लेने के लिए यह फिल्म देख सकते हैं। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर जैसे शानदार एक्टर से सजी मोस्ट अवेंटेड युद्ध एक्शन फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही फिल्म का ट्रेलर हर तरफ छा गया है। यूट्यूब पर भी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। यह धमाकेदार ट्रेलर देखने के बाद कोई भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत 1971 भुज गुजरात की डेट के साथ होती है।
जिसके बाद दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय एयरबेस पर अचानक हमला कर देती है, जिसके बाद भारतीय सेना भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देती दिखाई देती है। ट्रेलर में मिसाइल लॉन्च से लेकर युद्धपोतों पर हमले और बहुत कुछ दिखाया गया है। ट्रेलर में जहां अजय देवगन फुल यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं, वही सोनाक्षी सिन्हा देसी और सिंपल लुक में नज़र आ रही हैं। संजय दत्त बेहद रहस्यमय अंदाज में नज़र आ रहे हैं। फिल्म में डांसिंग क्वीन नोरा फतेही भी हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड में अजय द्वारा कौवाई सुअर सुना जा सकता है, जो सभी को अपनी मृत्यु पर शोक न करने के लिए कहते हैं। यह शहादत है जिसे अपने अपने लिए चुना है। यह शहादत है जिसे उसने अपने लिए चुना है। यह फिल्म इसी स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस VIP पर डिजिटल रूप में रिलीज होगी। अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स के अलावा एमी विक्र, नोरा फतेही और सुद किलकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक भारतीय हिंदी भाषा युद्ध एक्शन फिल्म है, जो अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित, सह निर्मित और लिखित ऐतिहासिक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्थापित यह IAF स्क्वाड्रन लीडर विजय करड़े के जीवन के बारे में है, जो भुज हवाई अड्डे के तत्कालीन प्रभारी थे, जिन्होंने और उनकी टीम ने 300 स्थानीय महिलाओं की मदद से वायुसेना के एयरबेस का पुनर्निर्माण किया। फिल्म में अजय देवगन के रूम में करड़े के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर, आर्मी विक्र और प्रणीता सुभाष भी हैं। 19 मार्च 2019 को फिल्म की घोषणा करने के बाद यह पुष्ट की गई कि फिल्म में दिखाई गई सच्ची घटना भारत की सबसे आकर्षक युद्ध संबंधी कहानियों में से एक है। प्रधान फोटोग्राफी जून 2019 के अंत में शुरू हुई और इसे हैदराबाद, कच्छ, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता में शूट किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज नहीं होगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दुनिया भर में स्ट्रीम करेगी। यह फिल्म 300 गुजराती महिलाओं की सच्ची कहानी है, जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की सहायता की थी। इसमें स्क्वाड्रन लीडर विजय कड़ी के रूप में अजय देवगन हैं और भारतीय सेना के स्काउट रणछोड़ दास पंगी के रूप में संजय दत्त हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने सुंदरबन जेठा मधुपर के रूप में हैं और नोरा फतेही जासूस हिना रहमान के रूप में हैं। शरद केलकर सैन्य अधिकारी रघुवीर रैना के रूप में हैं। 19 मार्च 2019 को भारत पाकिस्तान की सच्ची घटनाओं पर भूषण कुमार ने फिल्म की घोषणा की। फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की घटना को दर्शाया गया है, जहां गुजरात के भुज में 300 स्थानीय महिलाओं ने नष्ट हुए एयरबेस के पुनर्निर्माण की मदद की थी। अजय देवगन ने विजय कर्णिक को चित्रित किया और यह भी भूमिका उनके लिए एकमात्र विकल्प थे। अन्य कलाकारों में संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, आर्मी विक्र और राणा दग्गुबाती शामिल थे। फिल्म विक्र की दूसरी हिंदी फिल्म है। दक्षिण की अभिनेत्री पुणीता सुभाष ने बाद में इस फिल्म से जुड़कर बॉलीवुड में कदम रखा। प्रीति चोपड़ा को फिल्म में एक जासूस का किरदार निभाने के लिए भी साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग की तारीखों के कारण उनकी दूसरी फिल्म साइना के साथ क्लैश होने के कारण उन्होंने नवंबर 2019 में फिल्म से बाहर होने का विकल्प चुना। जनवरी 2020 में नोरा फतेही को प्रियंका के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया था। बाद में जनवरी में दग्गुबाती ने सुस्त मुद्दों का हवाला देते हुए फिल्म से बाहर कर दिया और उनकी जगह शरद केलकर ने ले ली। संजय दत्त ने 25 जून 2019 को हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग शुरू की। फिर उन्होंने और अजय देवगन सहित अन्य कलाकारों ने फिल्म के अगले भाग को शुरू करने के लिए भोपाल, इंदौर, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता की यात्रा की। अजय देवगन और सिन्हा पर चित्रित यह गीत दिसंबर 2019 के अंत में कच्छ में फिल्माया गया था। फतेही ने 12 जनवरी 2020 को अपने हिस्से का फिल्मांकन शुरू किया। अजय देवगन के चित्र का पहला रूप 2 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। जून 19, 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां अजय देवगन ने घोषणा की कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर विशेष रूप से डिज्नी प्लस हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पहल के हिस्से के रूप में रिलीज होगी, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण थिएटर बंद होने का परिणाम था। बॉलीवुड का सिनेमा आजकल बड़े दिल से देश के इतिहास को पर्दे पर रच रहा है।
यह उसका फेवरेट विषय हो गया है। लेकिन इसमें कुछ सुविधा भी हैं और कुछ दुविधा भी। सुविधा यह कि पन्नों में दर्ज घटना आधारित रेडीमेड कहानी मिल जाती है, और दुविधा यह कि कितनी हकीकत दिखाएं और कितना फंसाना। वैसे अच्छी बात यह है कि देश प्रेम की भावनाएं फिलहाल दर्शकों का प्रेम मिलाने की गारंटी बनी हुई हैं। विचार और तर्क लगभग हंसिए पर है। इसी कड़ी में ताज़ा फिल्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आज शाम रिलीज हुई भुज द ब्राइड ऑफ इंडिया। सितारों के लिहाज से इसमें ऐसे नाम हैं जो सहज ही दर्शकों को आकर्षित कर ले। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अपनी डांस प्रतिभा और मासूम खूबसूरती से तमाम दिलों पर इन दिनों राज कर रही नोरा फतेही, इन सबको मिलाकर देखें तो सितारों के बहाने फिल्म के लिए एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन जाती है। राजनीति और समाज में इधर राष्ट्रवाद मुख्य स्वर बना हुआ है। ऐसे में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया उन फिल्मों में से है जिसका इंतजार किया जा रहा था। यह बनी तो बड़े पर्दे के लिए थी, मगर कोविड संकट के कारण सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच सकी। अधिक विलंब ना करते हुए अब इसे छोटे स्क्रीन पर उतारा गया है। फिल्म 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर लगातार पस्त पड़ते पाकिस्तान के हुक्मरानों सेना अधिकारियों ने सोचा कि भारत पर पश्चिम दिशा से हमला किया जाए। मोर्चे पर लड़ना भारत के लिए संभव नहीं होगा, अतः पश्चिम में जीत हासिल करके पूर्वी मोर्चे की सौदेबाजी की जाएगी, क्योंकि यह बात उन्हें समझ आ चुकी थी कि पूर्वी पाकिस्तान उनके हाथ से निकल गया है, उसकी जगह बांग्लादेश बनेगा। अतः आखिरी उम्मीद पालते हुए पाकिस्तानी तानशाह और सेनाध्यक्ष हयान खाना का संवाद था कि पश्चिम में अप्रत्याशित हमले से राजस्थान और गुजरात के इलाकों को जीत कर वह भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ दिल्ली में चाय पियेंगे, बांग्लादेश के एवज में कुछ मेल भाव करेंगे। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में यह सब विस्तार से समझाया और दिखाया गया है। पाकिस्तान ने अपने इन नापाक इरादों के साथ राजस्थान, पंजाब और गुजरात की हवाई पट्टियों पर बम बरसाए थे। खासतौर पर कच्छ स्थित भुज की हवाई पट्टी पर सैकड़ों बम कर उसे पूरी तरह से बेकार कर दिया गया था, ताकि पाकिस्तान का जमीनी हमला हो भारतीय विमान उसे रोकने के लिए वहां ना उड़ पाए। हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह और कई हवाई ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की कहानी मुख्यतः भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक के बहादुरी और दूरदर्शी फैसलों की बात करती है। जब पाकिस्तानी हमले से डरकर हवाई पट्टी बनाने वाले इंजीनियर भाग गए, दर्जनों सैनिक घायल होकर अस्पताल पहुंच गए, तो उन्होंने पास के गांव के करीब 300 स्त्री पुरुषों की मदद से रातों रात फिर से हवाई पट्टी तैयार करा दी, जिससे सैनिकों को लाया वायुसेना का विमान उतर सका और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आम लोगों द्वारा जान पर खेलकर बनाई इस हवाई पट्टी ने न केवल वायुसेना का हौसला बुलंद किया, बल्कि पूरी आन बान शान से देश की जीत का इतिहास भी स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। फिल्म बताती है कि आम आदमी समय आने पर कैसे अपना घर बार त्याग कर देश और सेना के साथ खड़ा हो जाता है। विजय कर्डिक के रोल में अजय देवगन जमे हैं। अपनी आंखों से अभिनय करने वाले अजय यहाँ भी दर्शक में भावनाओं का ज्वार पैदा करने में कामयाब हैं। फौज की मदद करने वाले राह की सदस्यता पाए बहादुर ग्रामीण रणछोड़ दास पंगी बने संजय दत्त ने अपनी चिर परिचित शैली में बढ़िया संवाद बोले हैं। उनका एक्शन भी जबरदस्त है। निश्चित ही सिनेमाघर में उन्हें इस काम के लिए तालियां मिलती हैं। सोनाक्षी सिन्हा अपने रोल को निभाने में कामयाब रही हैं, मगर नोरा फतेही अपनी छोटी सी भूमिका में छाप छोड़ जाती हैं। फिल्म को वह भी ढंग से शूट किया गया है और कैमरा वर्क जबरदस्त है। VFX ने हवाई हमलों और युद्ध के दृश्य में जान डाली है। एडिटिंग कसी हुई है और देखने वाले को पता नहीं लगता कि समय कब तेज हवा की तरह गुजर गया। स्क्रिप्ट में जरा दम होता तो फिल्म का प्रभाव अधिक हो सकता था। रोचक बात है कि इसे 4 लोगों ने मिलकर लिखा है। टीवी के लिए कई सीरियल बना चुके अभिषेक दुधैया पहली बार बॉलीवुड में बतौर निर्देशक उतरे हैं और भव्य फिल्म बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने फिल्म को इतना अधिक तथ्यपरक पर रखा है कि कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्री जैसा फील कराती है। वार फिल्म होने के बावजूद निर्देशक ने इसमें गीत संगीत को भी पर्याप्त जगह दी है। अच्छा यह है कि कहानी में यह गाने रिकॉर्ड नहीं बनते। इस 15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अपनी सेनाओं के शौर्य पर गर्व जगाने वाली यह सटीक फिल्म है। बीते साल कोरोना संक्रमण से पहले रिलीज हुई फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर जिस एक चीज के लिए बरसों बरस मिसाल के तौर पर याद की जाएगी वह है इसके विजुअल इफेक्ट्स। इन्हें बनाने वाली कंपनी अजय देवगन की ही है, NY VFX वाला।
इसी कंपनी ने भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के विजुअल इफेक्ट्स भी तैयार किए हैं। फर्क बस फिल्म के निर्देशक का है। टीवी पर हजारों एपिसोड बना चुके मुकेश दुधैया और अभिषेक दुधैया ने अपनी डेब्यू फिल्म में जो किया है उसके लिए अजय देवगन के फैंस उन्हें अरसे तक माफ़ नहीं करेंगे। देशभक्ति, दिलेरी और धरती का कदम दिखाने वाली एक अच्छी खासी कहानी का उन्होंने चार चार पड़कता लेखों के चलते पूरा गुड़ गोबर कर दिया है। कम लोगों को ही पता होगा कि भुज की जिस हवाई पट्टी को रातों रात बनाकर भारतीय वायुसेना का विमान वहां उतारने के लिए भुज एयरबेस के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्डिक ने आसपास के गांव की महिलाओं की मदद ली थी, उसे पूरा गोबर से लिपा गया था ताकि पाकिस्तानी विमानों को आसमान से नज़र ना आ सके। हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है और शुरू में इस बात का जिक्र भी है कि फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं का वास्तविक चित्रण नहीं है। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से अजय देवगन के फैंस को काफ़ी उम्मीदें रही हैं। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने के लिए तैयार हो रही फिल्म साल भर बाद उसी मौके पर रिलीज हुई लेकिन इस बीच इनके नमक में आयोडीन उड़ चुका है। बड़ी फिल्मों को सीधे ओटीटी पर रिलीज करने के डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पिछले साल घोषित उपक्रम फर्स्ट डे फर्स्ट शो की होम डिलीवरी की पहली सीरीज की आखिरी फिल्म है। इस सीरीज के अधिकतर फिल्मों का हास्र ऐसा ही रहा सिवाय लूट केस और बिग बुल के। सीरीज की दो फिल्में सड़क 2 और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में संजय दत्त दिखे और दोनों फिल्में औसत से भी खराब फिल्में रही। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को कुछ देर रक्षा मंत्री राज सिंह ने भी देखा और अजय देवगन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। फिल्म का वर्तमान शायद उनको भी अच्छा नहीं लगा। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अच्छी है भी नहीं। एक तो किसी फिल्म की कहानी जब इसके हीरो को सुनानी पड़े तो कड़वता की कमजोरियों का पर्दाफाश वही हो जाता है। फिल्म के निर्देशक शुरू के 40 मिनट तक तो समझ ही नहीं पाते कि फिल्म को किस करवट बिठाना है और इस चक्कर में झूला झूलती फिल्म हाथ से निकल जाती है। भुज की हवाई पट्टी के जिस मूल कथानक पर फिल्म बनी है वह फिल्म के आखिरी 40 मिनट में है और उसके बाद भी फिल्म बहुत बचकाने लगती है। फिल्म शेरशाह की तरह यहाँ भी दिक्कत वही है कि निर्माताओं को देशभक्ति के तड़के से फिल्म बेचनी है लेकिन देशभक्ति का तड़के के मसाले हर बार एक जैसे नहीं हो सकते। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया देखने के बाद तो शेरशाह भी फिल्म बेहतर लगने लगी है। अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अपने पहले 60 से ही खराब इफेक्ट्स के चलते पकड़ खो देती है। फिल्म अभिनय के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी नहीं है। नोरा फतेही का पूरा ट्रैक देख कर यूँ लगता है कि टी सीरीज ने फिल्म में पैसा सिर्फ इसी हिस्से के लिए लगाया गया है। वह आइटम नंबर के लिए ही ठीक है, एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है। यही हाल पड़ता सुभाष का है। मराठी हीरो के पंजाबी गाने में देखी पड़ता फिर क्लाइमैक्स के रोल चलाती दिखती हैं। इधर कुछ फिल्मों में अजय देवगन की पत्नियां बनने वाली नायिकाओं का फुटेज हिंदी सिनेमा में लगातार कम होता जा रहा है। ये एक शोध का विषय भी हो सकता है। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में अच्छा काम किया है। गुजराती बाला की बहादुरी दिखाने में भले उन्होंने नकली तेंदुआ पर्दे पर मारा हो लेकिन उनके हाव भाव तारीफ के काबिल हैं। शरद केलकर, संजय दत्त, महेश शेट्टी जैसे कलाकारों ने फिल्म की फील्डिंग ठीक से जमा तो ली लेकिन असली पिच ही यहाँ कमजोर निकली। फिल्म में एमी विक्रम के एयरफोर्स पायलट के तौर पर काम किया फिल्म पटकथा, अभिनय, निर्देशन, तकनीकी पक्ष के अलावा अपने संगीत में भी मात खाती है। एक दो 1971 के मराठी नायक पर पंजाबी गाना फिल्मा कर रही इसके निर्देशन में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बाकी रही सही कसर पूरी करती है क्लाइमैक्स में बजने वाले इसके बेहद बचकाने गाने। कोशिश या हकीकत के गाने कर चले फिदा जा और वतन साथियों की नकल करने की है लेकिन कैफी अजमी बनने के लिए असल की शायरी पर जिंदा रहना होता है। हाँ, गांव के महिलाओं के सामने सुनाई गई कविता अच्छी है। फिल्म को कुल मिलाकर जो एक स्टार मिलता है वह है इसके हीरो अजय देवगन की बहादुरी के लिए कि अपने बेहतरीन दौर में उन्होंने सिर्फ देशभक्ति फिल्म के नाम पर यह फिल्म करने की हिम्मत जुटा ली। अपने हिस्से का काम भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया है लेकिन 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म देखना किसी चुनौती से कम नहीं है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक अविश्वसनीय अध्याय की कहानी है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों के उत्पीड़न से लाखों लोगों की मौत हुई। असंख्य लोग हत्याओं से बचने के लिए भारत की ओर पलायन करते हैं इसलिए भारत भी इस संघर्ष में शामिल हो जाता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान पश्चिमी तरफ भारत के डिफेंस बेस पर हमला करने लगता है। 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना ने अचानक भुज एयरबेस पर हमला किया।
कमांडिंग ऑफिसर विजय कर्णे, अजय दुखन और बाकी सभी इससे हैरान रह जाते हैं। इस हमले में कई लोगों की जान चली जाती है और हवाई पट्टी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान सूरजबाड़ी और बनासकठा पोलो और भुज की ओर जाने वाली प्रमुख 5 सड़कों को भी नष्ट कर देता है। नतीजन भुज और कच्छ देश के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं। भारतीय वायुसेना में विमान भी नहीं उतर सकते क्योंकि हवाई पट्टी नष्ट हो गई है और इसकी मरम्मत करने वाले इंजीनियर भाग गए हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भुज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रही है। इस समस्या का एकमात्र उपाय यह है कि किसी भी कीमत पर रात भर हवाई पट्टी की मरम्मत की जाए। आगे क्या होता है यह बाकी की फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा बिभोरिया की कहानी आकर्षक है और अधिकांश लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। अधिकांश दर्शकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह की घटना हुई और आम नागरिकों ने भी युद्ध में सेना की मदद की। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा बिभोरिया की पटकथा मिश्रित है। फर्स्ट हाफ में कहानी में ज़्यादा विकास नहीं होता है, लेकिन सेकेंड हाफ में लेखक अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। क्लाइमैक्स खासतौर पर बहुत सोच समझकर बनाया गया है। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा भवोरिया के डायलॉग मनोज मुंतशिर द्वारा अतिरिक्त संवाद ताली बजाने योग्य हैं। ग्रामीणों को समझाते हुए अजय देवगन का मोनोलॉग दिल को छू लेने वाला है। अभिषेक दुधैया के निर्देशन में कुछ कमियाँ हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह ठीक है। खूबियों की बात करें तो वह फिल्म के पैमाने को बाखूबी संभालते हैं। कुछ नाटकीय और एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से हैंडल किया गया है और यह प्रभाव को भी बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ वन टेक एक्शन दृश्य मनोरंजन बढ़ाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स उत्सुकता बढ़ाने वाला है और यह वास्तव में फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब इस फिल्म की कमियों की बात करें तो किरदारों को अच्छी तरह से समझाया नहीं गया है। सभी प्रमुख किरदारों का परिचय बहुत तेज है। एक आम आदमी के लिए इतनी अधिक जानकारी स्टोर करना बहुत अधिक होगा। इसके अलावा संभवतः फिल्म की लंबाई कम करने के लिए जगह जगह से कई सीन को काटा गया है जो आसानी से समझ आता है। कई एक्शन दृश्यों में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। क्लाइमैक्स में खाई में रड़छोड़ का दृश्य जनता को पसंद आएगा, लेकिन इसे बचाना मुश्किल है। साथ ही फर्स्ट हाफ में कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह वांछित प्रभाव डालने में विफल रहते हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के पहले 5 मिनट एक असेंबल के माध्यम से संदर्भ की व्याख्या करते हैं और साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनकी दुष्ट योजना पर चर्चा करने के दृश्य साथ शुरू होते हैं। इसके ठीक बाद थोड़ा ओवर हो जाता है, लेकिन संघर्ष को समझने में मदद करता है। भुज एयरबेस पर हमले का दृश्य चौंकाने वाला है, लेकिन जल्द ही फिल्म फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। यहाँ बहुत से किरदारों से परिचय कराया जाता है और यह भी कुछ और सा लगने लगता है। हिना रहमानी, नोरा फतेही का ट्रैक एक बड़ी राहत के रूप में सामने आता है। उनका वन टेक मिरर एक्शन सीन फिल्म के बेहतरीन सीन में से एक है। सेकंड हाफ में कहानी में एक निश्चित ठहराव सा आता है। साथ ही सुंदर बहन सोनाक्षी सिन्हा का परिचय फिल्म में बहुत कुछ जोड़ता है। फिल्म के बेस्ट सीन लास्ट के 20-25 मिनट के लिए रिजर्व रहते हैं, जिसमें से हवाई जहाज के लैंडिंग दृश्य बाजी मार ले जाते हैं। अजय देवगन ने एक आयामी किरदार निभाया है, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से वह पहले दर्जे का है और कुछ दृश्यों का लेवल बढ़ाता है। उनका स्लो मोशन वाम विशेष रूप से काफ़ी रोमांचक है और इसमें सिनेमाघरों में हंगामा मच जाता है। संजय दत्त भी एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसकी पिछली कहानी को ठीक से समझाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी वह अपने रोल में जचते हैं, खासकर लड़ाई के दृश्यों में। सोनाक्षी सिन्हा ने देर से एंट्री ली, लेकिन वह फिल्म का सरप्राइज है। नोरा फतेही अपने अभिनय और एक्शन सीन से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनका एक्शन सीन मुख्य आकर्षण में से एक है। शरद केलकर, आर के नायर हमेशा की तरह भरोसेमंद हैं। एमी विक्र, विक्रम सिंह बाज अच्छे लगते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। पर्दा सुभाष, इहाना ढिल्लों और महेश शेट्टी से ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है। नवनी परिहार निष्पक्ष हैं। जनरल वैखन खान, हिना रहमानी के पति मोहम्मद हुनैस ओमानी, विंग कमांडर ए साहू, मुख्तार बेग और तैमूर रिजवी की भूमिका निभाने वाले कलाकार ठीक हैं। संगीत ठीक है और इसमें गानों की गुंजाइश नहीं है। वास्तव में रम्मो रम्मो, भाई भाई और यहाँ तक कि प्रसिद्ध जालिमा कोका कला ट्रैक जैसे कुछ गाने गजब हैं। हंजुगम भुलाने योग्य है, लेकिन मेरे देश दिल को छूता है, सोनाक्षी सिन्हा है, सुर मालिक हिदाता का भक्ति गीत शक्तिशाली है,
लेकिन थोड़ा हटकर लगता है। अमर मोहल्ले का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। अजीम बजाज की सिनेमेटोग्राफी प्रभावशाली है। कुछ शॉट्स असाधारण के रूप में हैंडल किए जाते हैं। हीरोइन के मामले में अर्चना मिश्रा की वेशभूषा वास्तविक और ग्लैमरस लगती है। नरेंद्र राहुलकर का प्रोडक्शन डिजाइन विस्तृत है। आरपी यादव और पीटर हेन का एक्शन मनोरंजक और भव्य है। एनवाई बीफेक्स वाला का बीफेक्स एक अच्छे स्तर का है। कुछ दृश्य अच्छे नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर बीफेक्स टीम प्रशंसा की पात्र है। धर्मेंद्र शर्मा की एडिटिंग थोड़ी तेज और बेतरतीब है। कुल मिलाकर भुजा प्राइड ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास से एक अविश्वसनीय कहानी को दर्शाती है। प्रदर्शन बेहतरीन है। सेकंड हाफ में फिल्म का रोमांचक स्तर बढ़ जाता है और उत्साहित क्लाइमैक्स फिल्म का हाई पॉइंट है। इस पैमाने पर बनी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होना चाहिए था, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर बनाए दृश्यों से भारी होती है, जो दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा करती है। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन पर विजय पाने वाले रियल सुपर हीरो स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डी की रियल लाइफ की कहानी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया रू पहले पर्दे पर उतारी है। हाउ इज द जोश फिल्म उरी में आपने जाबाज जवानों को देखकर हिंदुस्तानी का जोश हाई हो ही जाता है। हमारी सेना के शौर्य की न जाने कितनी अनसुनी कहानियाँ, कितने ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं। यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भुज गुजरात के माधापुर इलाके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए वहां रहने वाली 300 महिलाओं के साथ मुश्किलों से जूझते हुए एयर ट्रिप को वापस तैयार किया, जिसमें प्लेन में सवार सेना के जवान सुरक्षित लैंड हो सके। विजय कर्डिक ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस युद्ध अहम भूमिका निभाई थी। हौसले और जज्बे की इसी ट्रू स्टोरी को डायरेक्टर अभिषेक दुधैया भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में एक बार फिर जिंदा करने जा रहे हैं। स्क्वाड लीडर विजय कर्डिक के लीड रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में संजय दत्त, पंगी, रणछोड़ दास। स्क्वाड लीडर विजय कर्डिक के लीड रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में संजय दत्त, पंगी, रणछोड़ दास, सवा भाई रवारी का किरदार निभाएंगे। पंगी एक ऐसा शख्स है जो पैरों के निशान से किसी इंसान की हाइट, जेंडर और वजन बता सकता है। फिल्म की बाकी कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोनाक्षी सिन्हा, सुंदर बेन, जेठा मधा पराया के रोल में हैं, जिन्होंने वहां की औरतों के साथ वार सिचुएशन में एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया था। पाक के इसी ताबड़तोड़ हमले ने भुज के एयर ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। एयर ट्रिप वो हिस्सा होता है जहाँ प्लेन लैंड होने के बाद कुछ दूरी तक दौड़ता है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक इसी भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। पाकिस्तान युद्ध के इस षड्यंत्र को एक खास ऑपरेशन का नाम दिया गया था। एक ही रात में पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों से पूरा एयर ट्रिप तबाह कर दिया। ऐसे में विजय कर्डिक ने पास के ही एक गांव माधापुर की 300 महिलाओं की मदद ली। वही पंडित चोपड़ा में रहने वाली एक सिपाही के किरदार में नजर आएंगी। बिघा कोट चौकी पर तैनात मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में राणा दगुबाते से बेहतरीन एक्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। फिल्म को भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है। वार बैकड्रॉप पर बनने जा रही इस फिल्म में पिक्चराइजेशन, प्रोडक्शन और स्टार कास्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। उन्नीस सौ इकहत्तर की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमला कर भारतीय वायुसेना के भुज एयरबेस पर हमला कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ऐसे में भुज के गांव की 300 महिलाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वायुसेना के इस बेस की हवाई पट्टी को फिर से बनाने का काम किया था। 15 अगस्त को इस साल हम आज़ादी का 75वां जश्न मनाएंगे और ऐसे में बॉलीवुड की दो देशभक्ति की भावना से भरी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की शेरशाह एक दिन पहले अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है और कुछ देर पहले ही अजय देवगन के प्रोडक्शन की मल्टी स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म 1971 में पाकिस्तान की भारत के कच्छ पर कब्जे की नाकाम कोशिश को बयां करती है। ये कहानी सिर्फ सेना की ही नहीं बल्कि नागरिकों के जज्बे और उनकी बहादुरी की कहानी भी दिखाती है। जाने आखिर कैसी है ये फिल्म।
कहानी 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमला कर भारतीय वायुसेना के भुज एयरबेस पर हमला कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इतना ही नहीं, कच्छ पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी ने कच्छ को हिंदुस्तान से जोड़ने वाले सभी रास्तों को भी बर्बाद कर दिया था। ऐसे में भुज के एक गांव माधापुर की 300 महिलाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वायुसेना के इस बेस की हवाई पट्टी को महज 72 घंटे में फिर से बनाने का काम किया था। इन महिलाओं को अपनी मदद के लिए तैयार किया गया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय गढ़का ने ये युद्ध की एक ऐसी ही कहानी है जो आपके दिल को गर्व की भावना से भर देगी। निर्देशक अभिषेक दुधैया की फिल्म भुज यू तो एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें संजय दत्त से लेकर शरद केलकर और सोनाक्षी सिन्हा तक कई स्टार हैं, लेकिन यह फिल्म पूरी तरह अजय देवगन को फोकस में रखकर बनाई गई है। वही हीरो हैं और ये साफ है कि फिल्म की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि भले ही सच्ची घटनाओं पर बनी यह फिल्म है, लेकिन इसमें मनोरंजन के आधार पर पटकथा लेखन से स्वतंत्रता ली गई है। कहानी की शुरुआत ही होती है पाकिस्तान की हुकूमत के मंसूबों को दिखाते डायलॉग और भुज एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सेना के हमले से। इस हवाई हमले से बेखबर भारतीय वायुसेना के जवान अचानक जान बचाने के लिए भागते हैं और कुछ लड़ाई में जुट जाते हैं। फर्स्ट हाफ में काफ़ी देर तक कहानी को वॉइस ओवर से ही समझाया जाता है, जो कनेक्ट पैदा नहीं कर पाती है। दरअसल इस फिल्म में सबसे बड़ी कमी है असलियत की। स्टर से लेकर किरदारों के डायलॉग तक सब कुछ नकली और बनावटी लग रहा है। सेना से जुड़ी फिल्म बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जब तक देशभक्ति से ओत प्रेत भाषण ना दे तब तक आप सैनिक नहीं हैं, जो इस फिल्म में साफ देखा जा सकता है। चारों तरफ से देशभक्ति के डायलॉग की भरमार है। नोरा फतेही का सिक्वेंस तो बहुत ही बनावटी लगता है लेकिन इन सब के बीच भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अजय देवगन और शरद केलकर अपने किरदारों में चमके हैं। शरद केलकर काफ़ी ओरिजिनल और अपीलिंग नज़र आए हैं। वही बाकी किरदारों के हिस्से में भी भारी भरकम डायलॉग्स हैं जो उन्होंने उसी अंदाज में बोले हैं। कहानी में बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं और इसीलिए कई बार किरदारों को और आवाज़ को समझने के लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि आपको लगातार समझते रहना पड़ता है कि आखिर क्या चल रहा है। हालांकि फिल्म का सेकंड हाफ बढ़िया है, जिसमें असली लड़ाई और असली इवेंट साफ नज़र आते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सच्ची घटना से प्रेरित एक मसाला फिल्म जिसमें असली कहानी कम और मसाला ही मसाला हावी हो गया है। देश में इस समय भक्ति की लहर खूब जोर जोर से चल रही है और ऐसे में बॉलीवुड भी उसे भुनाने में पीछे नहीं रहता। भुज भी ऐसी ही कोशिश है, बस इस मसाला एक्शन ड्रामा में असलियत इतनी कम है कि आप प्राउड महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप देशभक्ति की भावना से भरपूर कोई कहानी देखना चाहते हैं तो वो ये फिल्म आप जरूर देखें। साथ ही 1971 की लड़ाई के दौरान 300 महिलाओं के जज्बे की कहानी को सेना की बहादुरी की एक कहानी जरूर देखी जानी चाहिए। हाँ, अगर ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाई गई होती और इसमें कुछ कनेक्ट पैदा करने की कोशिश की जाती तो एक शानदार फिल्म हो सकती थी। मेरी तरफ से इसकी रेटिंग है 2.5 स्टार अकॉर्डिंग टू न्यूज 18 हिंदी। अजय देवगन अभिनीत अभिषेक दुधैया की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया स्वतंत्रता दिवस से पहले रिलीज हुई है। यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक पीरियड वार ड्रामा है। वर्तमान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग फिल्म भारतीय वायुसेना की यात्रा का एक काल्पनिक पुरकथन है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक अजय देवगन भुज हवाई अड्डे के तत्कालीन प्रभारी थे, जिन्होंने अपनी टीम के साथ और माधापार के स्थानीय गांव की 300 महिलाओं की मदद से पाकिस्तानी सेना द्वारा बार बार बमबारी से नष्ट हुए IAF बेस का पुनर्निर्माण किया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय ने दुश्मन सैनिकों को भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश कर रही सेना तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बैकअप में मदद की थी। यह घटना अपने आप में सिनेमा के लिए एक शानदार पहलू है कि कैसे नागरिकों की वीरता ने स्वतंत्रता के बाद से दो पड़ोसी देशों के बीच चल रहे एक क्षेत्रीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण जमीन खो देने से बचने में भारतीय सेना की मदद की। हालांकि यह कहानी सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, फिल्म काफ़ी हद तक लड़खड़ाती नज़र आती है और वैसी अमिट छाप नहीं छोड़ पाती जैसी कि इसमें उपेक्षा की जा रही थी। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर, अमी विकर, परिता सुभाष और नोरा फतेही जैसे स्टारकास्ट के साथ फिल्म अद्भुत काम कर सकती थी। कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है वह वास्तविकता से बिल्कुल अलग है।
और गाने व डांस सीन का अनावश्यक रूप से आना फिल्म के मूड को खराब कर देता है। जहां पीरियड फिल्में और युद्ध नाटक आजकल यथार्थवर्ती अंदाज लेते जा रहे हैं, वही भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इससे थोड़ी दूर है। मुख्य कलाकारों के अलावा बड़े कलाकारों की टीम बिना तैयारी के काम करते महसूस होती है। प्रभावी ढंग से एक युद्ध की कहानी जीवंत नहीं हो पाती। कहानी कहने की शैली अत्यधिक नाटकीय है, जिसमें महिलाएं युद्ध के बीच में टूटे हुए रनवे की मरम्मत करते समय भक्ति गीतों की ओर चली जाती हैं। यह एक सैनिक कई दुश्मन को मार डालता है। फिल्म में बीएफएक्स और एनिमेशन का काम पास करने योग्य है और अजय देवगन, संजय दत्त और एक हद तक शरद केलकर को भी अपनी वीरता दिखाने के लिए पर्याप्त क्षण मिलते हैं। अगर आप एक नए स्वतंत्रता दिवस मनोरंजन की तलाश में हैं, तो वीकेंड का मजा लेने के लिए यह फिल्म देख सकते हैं। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर जैसे शानदार एक्टर से सजी मोस्ट अवेंटेड युद्ध एक्शन फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही फिल्म का ट्रेलर हर तरफ छा गया है। यूट्यूब पर भी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। यह धमाकेदार ट्रेलर देखने के बाद कोई भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत 1971 भुज गुजरात की डेट के साथ होती है, जिसके बाद दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय एयरबेस पर अचानक हमला कर देती है, जिसके बाद भारतीय सेना भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देती दिखाई देती है। ट्रेलर में मिसाइल लॉन्च से लेकर युद्धपोतों पर हमले और बहुत कुछ दिखाया गया है। ट्रेलर में जहां अजय देवगन फुल यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, वही सोनाक्षी सिन्हा देसी और सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। संजय दत्त बेहद रहस्यमय अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म में डांसिंग क्वीन नोरा फतेही भी हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड में अजय द्वारा कवाई सुवर सुना जा सकता है, जो सभी को अपनी मृत्यु पर शोक न करने के लिए कहते हैं। यह शहादत है जिसे अपने अपने लिए चुना है। यह शहादत है जिसे उसने अपने लिए चुना है। यह फिल्म इसी स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस VIP पर डिजिटल रूप में रिलीज होगी। अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स के अलावा एमी विक्र, नोरा फतेही और शरद केलकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक भारतीय हिंदी भाषा युद्ध एक्शन फिल्म है, जो अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित, सह निर्मित और लिखित ऐतिहासिक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्थापित यह IAF स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डे के जीवन के बारे में है, जो भुज हवाई अड्डे के तत्कालीन प्रभारी थे, जिन्होंने और उनकी टीम ने 300 स्थानीय महिलाओं की मदद से वायुसेना के एयरबेस का पुनर्निर्माण किया। फिल्म में अजय देवगन के रूप में कर्डे के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर, आर्मी विक्र और परिता सुभाष भी हैं। 19 मार्च 2019 को फिल्म की घोषणा करने के बाद यह पुष्ट की गई कि फिल्म में दिखाई गई सच्ची घटना भारत की सबसे आकर्षक युद्ध संबंधी कहानियों में से एक है। प्रधान फोटोग्राफी जून 2019 के अंत में शुरू हुई और इसे हैदराबाद, कच्छ, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता में शूट किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज नहीं होगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दुनिया भर में स्ट्रीम करेगी। यह फिल्म 300 गुजराती महिलाओं की सच्ची कहानी है, जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की सहायता की थी। इसमें स्क्वाड्रन लीडर विजय कड़ी के रूप में अजय देवगन हैं और भारतीय सेना के स्काउट रणछोड़ दास पंगी के रूप में संजय दत्त हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने सुंदरबन जेठा मधुपर के रूप में हैं और नोरा फतेही जासूस हिना रहमान के रूप में हैं। शरद केलकर सैन्य अधिकारी रघुवीर रैना के रूप में हैं। 19 मार्च 2019 को भारत पाकिस्तान की सच्ची घटनाओं पर भूषण कुमार ने फिल्म की घोषणा की। फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की घटना को दर्शाया गया है, जहां गुजरात के भुज में 300 स्थानीय महिलाओं ने नष्ट हुए एयरबेस के पुनर्निर्माण की मदद की थी। अजय देवगन ने विजय कर्डी को चित्रित किया और यह भी भूमिका उनके लिए एकमात्र विकल्प थे। अन्य कलाकारों में संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, आर्मी विक्र और राणा दग्गुबाती शामिल थे। फिल्म विक्र की दूसरी हिंदी फिल्म है। दक्षिण की अभिनेत्री पुरिता सुभाष ने बाद में इस फिल्म से जुड़कर बॉलीवुड में कदम रखा। परिणीति चोपड़ा को फिल्म में एक जासूस का किरदार निभाने के लिए भी साइन किया गया था,
लेकिन फिल्म की शूटिंग की तारीखों के कारण उनकी दूसरी फिल्म साइना के साथ क्लैश होने के कारण उन्होंने नवंबर 2019 में फिल्म से बाहर होने का विकल्प चुना। जनवरी 2020 में नोरा फतेही को प्रियंका के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया था। बाद में जनवरी में दगुबाती ने स्वास्थ्य मुद्दों का हवाला देते हुए फिल्म से बाहर कर दिया और उनकी जगह शरद केलकर ने ले ली। संजय दत्त ने 25 जून 2019 को हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग शुरू की। फिर उन्होंने और अजय देवगन सहित अन्य कलाकारों ने फिल्म के अगले भाग को शुरू करने के लिए भोपाल, इंदौर, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता की यात्रा की। अजय देवगन और सिन्हा पर चित्रित यह गीत दिसंबर 2019 के अंत में कच्छ में फिल्माया गया था। फतेही ने 12 जनवरी 2020 को अपने हिस्से का फिल्मांकन शुरू किया। अजय देवगन के चित्र का पहला रूप 2 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। जून 19, 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां अजय देवगन ने घोषणा की कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर विशेष रूप से डिज्नी प्लस हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पहल के हिस्से के रूप में रिलीज होगी, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण थिएटर बंद होने का परिणाम था। बॉलीवुड का सिनेमा आजकल बड़े दिल से देश के इतिहास को पर्दे पर रच रहा है, यह उसका फेवरेट विषय हो गया है। लेकिन इसमें कुछ सुविधा भी हैं और कुछ दुविधा भी। सुविधा यह कि पन्नों में दर्ज घटना आधारित रेडीमेड कहानी मिल जाती है, और दुविधा यह कि कितनी हकीकत दिखाएं और कितना फंसाना। वैसे अच्छी बात यह है कि देश प्रेम की भावनाएं फिलहाल दर्शकों का प्रेम मिलाने की गारंटी बनी हुई हैं। विचार और तर्क लगभग हंसिए पर है। इसी कड़ी में ताज़ा फिल्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आज शाम रिलीज हुई भुज द ब्राइड ऑफ इंडिया। सितारों के लिहाज से इसमें ऐसे नाम हैं जो सहज ही दर्शकों को आकर्षित कर ले। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अपनी डांस प्रतिभा और मासूम खूबसूरती से तमाम दिलों पर इन दिनों राज कर रही नोरा फतेही, इन सबको मिलाकर देखें तो सितारों के बहाने फिल्म के लिए एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन जाती है। राजनीति और समाज में इधर राष्ट्रवाद मुख्य स्वर बना हुआ है। ऐसे में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया उन फिल्मों में से है जिसका इंतजार किया जा रहा था। यह बनी तो बड़े पर्दे के लिए थी, मगर कोविड संकट के कारण सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच सकी। अधिक विलंब ना करते हुए अब इसे छोटे स्क्रीन पर उतारा गया है। फिल्म 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर लगातार पस्त पड़ते पाकिस्तान के हुक्मरानों सेना अधिकारियों ने सोचा कि भारत पर पश्चिम दिशा से हमला किया जाए। मोर्चे पर लड़ना भारत के लिए संभव नहीं होगा, अतः पश्चिम में जीत हासिल करके पूर्वी मोर्चे की सौदेबाजी की जाएगी, क्योंकि यह बात उन्हें समझ आ चुकी थी कि पूर्वी पाकिस्तान उनके हाथ से निकल गया है, उसकी जगह बांग्लादेश बनेगा। अतः आखिरी उम्मीद पालते हुए पाकिस्तानी तानशाह और सेनाध्यक्ष हयान खाना का संवाद था कि पश्चिम में अप्रत्याशित हमले से राजस्थान और गुजरात के इलाकों को जीत कर वह भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ दिल्ली में चाय पियेंगे, बांग्लादेश के एवज में कुछ मेल भाव करेंगे। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में यह सब विस्तार से समझाया और दिखाया गया है। पाकिस्तान ने अपने इन नापाक इरादों के साथ राजस्थान, पंजाब और गुजरात की हवाई पट्टियों पर बम बरसाए थे। खासतौर पर कच्छ स्थित भुज की हवाई पट्टी पर सैकड़ों बम कर उसे पूरी तरह से बेकार कर दिया गया था, ताकि पाकिस्तान का जमीनी हमला हो भारतीय विमान उसे रोकने के लिए वहां ना उड़ पाए। हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह और कई हवाई ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की कहानी मुख्यतः भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक के बहादुरी और दूरदर्शी फैसलों की बात करती है। जब पाकिस्तानी हमले से डरकर हवाई पट्टी बनाने वाले इंजीनियर भाग गए, दर्जनों सैनिक घायल होकर अस्पताल पहुंच गए, तो उन्होंने पास के गांव के करीब 300 स्त्री पुरुषों की मदद से रातों रात फिर से हवाई पट्टी तैयार करा दी, जिससे सैनिकों को लाया वायुसेना का विमान उतर सका और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया गया। आम लोगों द्वारा जान पर खेलकर बनाई इस हवाई पट्टी ने न केवल वायुसेना का हौसला बुलंद किया, बल्कि पूरी आन बान शान से देश की जीत का इतिहास भी सुर अक्षरों में लिख दिया। फिल्म बताती है कि आम आदमी समय आने पर कैसे अपना घर बार त्याग कर देश और सेना के साथ खड़ा हो जाता है। विजय कर्णिक के रोल में अजय देवगन जमे हैं। अपनी आंखों से अभिनय करने वाले अजय यहाँ भी दर्शक में भावनाओं का ज्वार पैदा करने में कामयाब हैं। फौज की मदद करने वाले राह की सदस्यता पाए बहादुर ग्रामीण रछोड़दास पंगी बनाए संजय दत्त ने अपनी चिर परिचित शैली में बढ़िया संवाद बोले हैं।
उनका एक्शन भी जबरदस्त है। निश्चित ही सिनेमाघर में उन्हें इस काम के लिए तालियां मिलती हैं। सोनाक्षी सिन्हा अपने रोल को निभाने में कामयाब रही हैं, मगर नोरा फतेही अपनी छोटी सी भूमिका में छाप छोड़ जाती हैं। फिल्म को भव्य ढंग से शूट किया गया है और कैमरा वर्क जबरदस्त है। VFX ने हवाई हमलों और युद्ध के दृश्य में जान डाली है। एडिटिंग कसी हुई है और देखने वाले को पता नहीं लगता कि समय कब तेज हवा की तरह गुजर गया। स्क्रिप्ट में जरा दम होता तो फिल्म का प्रभाव अधिक हो सकता था। रोचक बात है कि इसे 4 लोगों ने मिलकर लिखा है। टीवी के लिए कई सीरियल बना चुके अभिषेक दुधैया पहली बार बॉलीवुड में बतौर निर्देशक उतरे हैं और भव्य फिल्म बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने फिल्म को इतना अधिक तथ्यपरक रखा है कि कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्री जैसा फील कराती है। वार फिल्म होने के बावजूद निर्देशक ने इसमें गीत संगीत को भी पर्याप्त जगह दी है। अच्छा यह है कि कहानी में या गाने रिकॉर्ड नहीं बनते। इस 15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अपनी सेनाओं के शौर्य पर गर्व जगाने वाली यह सटीक फिल्म है। बीते साल कोरोना संक्रमण से पहले रिलीज हुई फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर जिस एक चीज के लिए बरसों बरस मिसाल के तौर पर याद की जाएगी वह है इसके विजुअल इफेक्ट्स। इन्हें बनाने वाली कंपनी अजय देवगन की ही है, NYVFX वाला। इसी कंपनी ने भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के विजुअल इफेक्ट्स भी तैयार किए हैं। फर्क बस फिल्म के निर्देशक का है। टीवी पर हजारों एपिसोड बना चुके मुकेश दुधैया और अभिषेक दुधैया ने अपनी डेब्यू फिल्म में जो किया है उसके लिए अजय देवगन के फैंस उन्हें अरसे तक माफ नहीं करेंगे। देशभक्ति, दिलेरी और धरती का कदम दिखाने वाली एक अच्छी खासी कहानी का उन्होंने 4-4 पड़कता लेखों के चलते पूरा गुड़ गोबर कर दिया है। कम लोगों को ही पता होगा कि भुज की जिस हवाई पट्टी को रातों रात बनाकर भारतीय वायुसेना का विमान वहां उतारने के लिए भुज एयरबेस के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक ने आसपास के गांव की महिलाओं की मदद ली थी, उसे पूरा गोबर से लिपा गया था ताकि पाकिस्तानी विमानों को आसमान से नज़र ना आ सके। हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है और शुरू में इस बात का जिक्र भी है कि फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं का वास्तविक चित्रण नहीं है। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से अजय देवगन के फैंस को काफ़ी उम्मीद दे रही हैं। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने के लिए तैयार हो रही फिल्म साल भर बाद उसी मौके पर रिलीज हुई लेकिन इस बीच इनके नमक में आयोडीन उड़ चुका है। बड़ी फिल्मों को सीधे OTT पर रिलीज करने के डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पिछले साल घोषित उपक्रम फर्स्ट डे फर्स्ट शो की होम डिलीवरी की पहली सीरीज की आखिरी फिल्म है। इस सीरीज के अधिकतर फिल्मों का हास्र ऐसा ही रहा सिवाय लूट केस और बिग बुल के। सीरीज की दो फिल्में सड़क 2 और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में संजय दत्त दिखे और दोनों फिल्में औसत से भी खराब फिल्में रही। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को कुछ देर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देखा और अजय देवगन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। फिल्म का वर्तमान शायद उनको भी अच्छा नहीं लगा। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अच्छी है भी नहीं। एक तो किसी फिल्म की कहानी जब इसके हीरो को सुनानी पड़े तो कड़पता की कमजोरियों का पर्दाफाश वही हो जाता है। फिल्म के निर्देशक शुरू के 40 मिनट तक तो समझ ही नहीं पाते कि फिल्म को किस करवट बिठाना है और इस चक्कर में झूला झूलती फिल्म हाथ से निकल जाती है। भुज की हवाई पट्टी के जिस मूल कथानक पर फिल्म बनी है वह फिल्म के आखिरी 40 मिनट में है और उसके बाद भी फिल्म बहुत बचकाने लगती है। फिल्म शेरशाह की तरह यहाँ भी दिक्कत वही है कि निर्माताओं को देशभक्ति के तड़के से फिल्म बेचनी है, लेकिन देशभक्ति का तड़के के मसाले हर बार एक जैसे नहीं हो सकते। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया देखने के बाद तो शेरशाह भी फिल्म बेहतर लगने लगी है। अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अपने पहले 60 से ही खराब इफेक्ट्स के चलते पकड़ खो देती है। फिल्म अभिनय के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी नहीं है। नोरा फतेही का पूरा ट्रैक देख कर यूँ लगता है कि टी सीरीज ने फिल्म में पैसा सिर्फ इसी हिस्से के लिए लगाया गया है। वह आइटम नंबर के लिए ही ठीक है, एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है। यही हाल पड़ता सुभाष का है। मराठी हीरो के पंजाबी गाने में देखी पड़ता फिर क्लाइमैक्स के रोल चलाती दिखती हैं। इधर कुछ फिल्मों में अजय देवगन की पत्नियां बनने वाली नायिकाओं का फुटेज हिंदी सिनेमा में लगातार कम होता जा रहा है, ये एक शोध का विषय भी हो सकता है। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में अच्छा काम किया है। गुजराती बाला की बहादुरी दिखाने में भले उन्होंने नकली तेंदुआ पर्दे पर मारा हो, लेकिन उनके हाव भाव तारीफ के काबिल हैं। शरद केलकर, संजय दत्त, महेश शेट्टी जैसे कलाकारों ने फिल्म की फील्डिंग ठीक से जमा तो ली, लेकिन असली पिच ही यहाँ कमजोर निकली। फिल्म में एमी विक्रम के एयरफोर्स पायलट के तौर पर काम किया
फिल्म पटकथा, अभिनय, निर्देशन, तकनीकी पक्ष के अलावा अपने संगीत में भी मात खाती है। 1971 के मराठी नायक पर पंजाबी गाना फिल्मा कर ही इसके निर्देशन में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बाकी रही सही कसर पूरी कर दी है क्लाइमैक्स में बजने वाले इसके बेहद बचकाने गाने। कोशिश या हकीकत के गाने कर चले फिदा जा और वतन साथियों की नकल करने की है, लेकिन कैफी अजमी बनने के लिए असल की शायरी पर जिंदार रहना होता है। हाँ, गाँव की महिलाओं के सामने सुनाई गई कविता अच्छी है। फिल्म को कुल मिलाकर जो 1 स्टार मिलता है वह है इसके हीरो अजय देवगन की बहादुरी के लिए कि अपने बेहतरीन दौर में उन्होंने सिर्फ देशभक्ति फिल्म के नाम पर यह फिल्म करने की हिम्मत जुटा ली। अपने हिस्से का काम भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म देखना किसी चुनौती से कम नहीं है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक अविश्वसनीय अध्याय की कहानी है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों के उत्पीड़न से लाखों लोगों की मौत हुई। असंख्य लोग हत्याओं से बचने के लिए भारत की ओर पलायन करते हैं, इसलिए भारत भी इस संघर्ष में शामिल हो जाता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान पश्चिमी तरफ भारत के डिफेंस बेस पर हमला करने लगता है। 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना ने अचानक भुज एयरबेस पर हमला किया। कमांडिंग ऑफिसर विजय कर्णिक, अजय देवगन और बाकी सभी इससे हैरान रह जाते हैं। इस हमले में कई लोगों की जान चली जाती है और हवाई पट्टी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान सूरजबाड़ी और बनासकठा पोलो और भुज की ओर जाने वाली प्रमुख 5 सड़कों को भी नष्ट कर देता है। नतीजन भुज और कच्छ देश के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं। भारतीय वायुसेना में विमान भी नहीं उतर सकते क्योंकि हवाई पट्टी नष्ट हो गई है और इसकी मरम्मत करने वाले इंजीनियर भाग गए हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भुज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रही है। इस समस्या का एकमात्र उपाय यह है कि किसी भी कीमत पर रात भर हवाई पट्टी की मरम्मत की जाए। आगे क्या होता है यह बाकी की फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा बिभोरिया की कहानी आकर्षक है और अधिकांश लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। अधिकांश दर्शकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह की घटना हुई और आम नागरिकों ने भी युद्ध में सेना की मदद की। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा बिभोरिया की पटकथा मिश्रित है। फर्स्ट हाफ में कहानी में ज़्यादा विकास नहीं होता है, लेकिन सेकेंड हाफ में लेखक अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। क्लाइमैक्स खास तौर पर बहुत सोच समझकर बनाया गया है। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा भवोरिया के डायलॉग मनोज मुंतशिर द्वारा अतिरिक्त संवाद ताली बजाने योग्य हैं। ग्रामीणों को समझाते हुए अजय देवगन का मोनोलॉग दिल को छू लेने वाला है। अभिषेक दुधैया के निर्देशन में कुछ कमियाँ हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह ठीक है। खूबियों की बात करें तो वह फिल्म के पैमाने को बाखूबी संभालते हैं। कुछ नाटकीय और एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से हैंडल किया गया है और यह प्रभाव को भी बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ वन टेक एक्शन दृश्य मनोरंजन बढ़ाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स उत्सुकता बढ़ाने वाला है और यह वास्तव में फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब इस फिल्म की कमियों की बात करें तो किरदारों को अच्छी तरह से समझाया नहीं गया है। सभी प्रमुख किरदारों का परिचय बहुत तेज है। एक आम आदमी के लिए इतनी अधिक जानकारी स्टोर करना बहुत अधिक होगा। इसके अलावा संभवतः फिल्म की लंबाई कम करने के लिए जगह जगह से कई सीन को काटा गया है जो आसानी से समझ आता है। कई एक्शन दृश्यों में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। क्लाइमैक्स में खाई में रड़छोड़ का दृश्य जनता को पसंद आएगा, लेकिन इसे बचाना मुश्किल है। साथ ही फर्स्ट हाफ में कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह वंचित प्रभाव डालने में विफल रहते हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के पहले 5 मिनट एक असेंबल के माध्यम से संदर्भ की व्याख्या करते हैं और साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनकी दुष्ट योजना पर चर्चा करने के दृश्य साथ शुरू होते हैं। इसके ठीक बाद थोड़ा ओवर हो जाता है, लेकिन संघर्ष को समझने में मदद करता है। भुज एयरबेस पर हमले का दृश्य चौंकाने वाला है, लेकिन जल्द ही फिल्म फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। यहाँ बहुत से किरदारों से परिचय कराया जाता है और यह भी कुछ ओवर सा लगने लगता है। हिना रहमानी, नोरा फतेही का ट्रैक एक बड़ी राहत के रूप में सामने आता है। उनका वन टेक मिरर एक्शन सीन फिल्म के बेहतरीन सीन में से एक है। सेकंड हाफ में कहानी में एक निश्चित ठहराव सा आता है। साथ ही सुंदर बहन सोनाक्षी सिन्हा का परिचय फिल्म में बहुत कुछ जोड़ता है। फिल्म के बेस्ट सीन लास्ट के बीच 25 मिनट के लिए रिजर्व रहते हैं।
जिसमें से हवाई जहाज के लैंडिंग दृश्यबाजी मार ले जाते हैं। अजय देवगन ने एक आयामी किरदार निभाया है, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से वह पहले दर्जे का है और कुछ दृश्यों का लेवल बढ़ाता है। उनका स्लो मोशन वाम विशेष रूप से काफ़ी रोमांचक है और इसमें सिनेमाघरों में हंगामा मच जाता है। संजय दत्त भी एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसकी पिछली कहानी तो ठीक से समझाई नहीं गई है जिसकी पिछली कहानी को ठीक से समझाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी वह अपने रोल में जचते हैं, खासकर लड़ाई के दृश्यों में। सोनाक्षी सिन्हा ने देर से एंट्री ली, लेकिन वह फिल्म का सरप्राइज है। नोरा फतेही अपने अभिनय और एक्शन सीन से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनका एक्शन सीन मुख्य आकर्षण में से एक है। शरद केलकर, आर के नायर हमेशा की तरह भरोसेमंद हैं। एमी विक्र, विक्रम सिंह बाज अच्छे लगते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। पर्दा सुभाष, इहाना ढिल्लो और महेश शेट्टी से ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है। नवनी परिहार निष्पक्ष हैं। जनरल वैखन खान, हिना रहमानी के पति मोहम्मद हुनैस ओमानी, विंग कमांडर ए साहू, मुख्तार बेग और तैमूर रिजवी की भूमिका निभाने वाले कलाकार ठीक हैं। संगीत ठीक है और इसमें गानों की गुंजाइश नहीं है। वास्तव में रम्मो रम्मो, भाई भाई और यहाँ तक कि प्रसिद्ध जालिमा कोका कला ट्रैक जैसे कुछ गाने गजब हैं। हंजुगम भुलाने योग्य है, लेकिन मेरे देश दिल को छूता है, सोनाक्षी सिन्हा हे ईश्वर मालिक हिदाता का भक्ति गीत शक्तिशाली है, लेकिन थोड़ा हटकर लगता है। अमर मोहल्ले का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। अजीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली है। कुछ शॉट्स असाधारण के रूप में हैंडल किए जाते हैं। हीरोइन के मामले में अर्चना मिश्रा की वेशभूषा वास्तविक और ग्लैमरस लगती है। नरेंद्र राहुलकर का प्रोडक्शन डिजाइन विस्तृत है। आर पी यादव और पीटर हेन का एक्शन मनोरंजक और भव्य है। एन वाई बीफेक्स वाला का बीफेक्स एक अच्छे स्तर का है। कुछ दृश्य अच्छे नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर बीफेक्स टीम प्रशंसा की पात्र है। धर्मेंद्र शर्मा की एडिटिंग थोड़ी तेज और बेतरतीब है। कुल मिलाकर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास से एक अविश्वसनीय कहानी को दर्शाती है। प्रदर्शन बेहतरीन है। सेकंड हाफ में फिल्म का रोमांचक स्तर बढ़ जाता है और उत्साहित क्लाइमैक्स फिल्म का हाई पॉइंट है। इस पैमाने पर बनी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होना चाहिए था, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर बनाए दृश्यों से भारी होती है, जो दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा करती है। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन पर विजय पाने वाले रियल सुपर हीरो स्क्वाडन लीडर विजय गार्डी की रियल लाइफ की कहानी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया रू पहले पर्दे पर उतारी है। हाउ इज द जोश फिल्म उरी में आपने जाबाज जवानों को देखकर हिंदुस्तानी का जोश हाई हो ही जाता है। हमारी सेना के शौर्य की न जाने कितनी अनसुनी कहानियाँ, कितने ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं। यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भुज गुजरात के माधापुर इलाके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। स्क्वाडन लीडर विजय कर्डिक ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए वहां रहने वाली 300 महिलाओं के साथ मुश्किलों से जूझते हुए एयर ट्रिप को वापस तैयार किया, जिसमें प्लेन में सवार सेना के जवान सुरक्षित लैंड हो सके। विजय कर्डिक ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस युद्ध अहम भूमिका निभाई थी। हौसले और जज्बे की इसी ट्रू स्टोरी को डायरेक्टर अभिषेक दुधैया भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में एक बार फिर जिंदा करने जा रहे हैं। स्क्वाड लीडर विजय कर्डिक के लीड रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में संजय दत्त, पंगी रणछोड़ दास। स्क्वाड लीडर विजय कर्डिक के लीड रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में संजय दत्त, पंगी रणछोड़ दास, सवा भाई रवारी का किरदार निभाएंगे। पंगी एक ऐसा शख्स है जो पैरों के निशान से किसी इंसान की हाइट, जेंडर और वजन बता सकता है। फिल्म की बाकी कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोनाक्षी सिन्हा, सुंदर बेन, जेठा मधापराया के रोल में हैं, जिन्होंने वहां की औरतों के साथ वार सिचुएशन में एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया था। पाक के इसी ताबड़तोड़ हमले ने भुज के एयर ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। एयर ट्रिप वो हिस्सा होता है जहाँ प्लेन लैंड होने के बाद कुछ दूरी तक दौड़ता है। स्क्वाडन लीडर विजय कर्डिक इसी भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। पाकिस्तान युद्ध के इस खडयंत्र को एक खास ऑपरेशन का नाम दिया गया था।
एक ही रात में पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों से पूरा एयरस्ट्रिप तबाह कर दिया। ऐसे में विजय कर्णिक ने पास के ही एक गांव माधापुर की 300 महिलाओं की मदद ली। वही पंडित चोपड़ा में रहने वाली एक सिपाही के किरदार में नजर आएंगी। बिघा कोट चौकी पर तैनात मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में राणा दगुबाती से बेहतरीन एक्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। फिल्म को भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है। वार बैकड्रॉप पर बनने जा रही इस फिल्म में पिक्चराइजेशन, प्रोडक्शन और स्टारकास्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। उन्नीस सौ इकहत्तर की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमला कर भारतीय वायुसेना के भुज एयरबेस पर हमला कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ऐसे में भुज के गांव की 300 महिलाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वायुसेना के इस बेस की हवाई पट्टी को फिर से बनाने का काम किया था। 15 अगस्त को इस साल हम आज़ादी का 75वां जश्न मनाएंगे और ऐसे में बॉलीवुड की दो देशभक्ति की भावना से भरी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की शेरशाह एक दिन पहले अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है और कुछ देर पहले ही अजय देवगन के प्रोडक्शन की मल्टी स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म 1971 में पाकिस्तान की भारत के कच्छ पर कब्जे की नाकाम कोशिश को बयां करती है। ये कहानी सिर्फ सेना की ही नहीं बल्कि नागरिकों के जज्बे और उनकी बहादुरी की कहानी भी दिखाती है। जाने आखिर कैसी है ये फिल्म। कहानी 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमला कर भारतीय वायुसेना के भुज एयरबेस पर हमला कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इतना ही नहीं, कच्छ पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी ने कच्छ को हिंदुस्तान से जोड़ने वाले सभी रास्तों को भी बर्बाद कर दिया था। ऐसे में भुज के एक गांव माधापुर की 300 महिलाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वायुसेना के इस बेस की हवाई पट्टी को महज 72 घंटे में फिर से बनाने का काम किया था। इन महिलाओं को अपनी मदद के लिए तैयार किया गया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिका ने ये युद्ध की एक ऐसी ही कहानी है जो आपके दिल को गर्व की भावना से भर देगी। निर्देशक अभिषेक दुधैया की फिल्म भुज यू तो एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें संजय दत्त से लेकर शरद केलकर और सोनाक्षी सिन्हा तक कई स्टार हैं, लेकिन यह फिल्म पूरी तरह अजय देवगन को फोकस में रखकर बनाई गई है। वही हीरो हैं और ये साफ है कि फिल्म की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि भले ही सच्ची घटनाओं पर बनी यह फिल्म है, लेकिन इसमें मनोरंजन के आधार पर पटकथा लेखन से स्वतंत्रता ली गई है। कहानी की शुरुआत ही होती है पाकिस्तान की हुकूमत के मंसूबों को दिखाते डायलॉग और भुज एयरबेस पर पाकिस्तानी सेना के हमले से। इस हवाई हमले से बेखबर भारतीय वायुसेना के जवान अचानक जान बचाने के लिए भागते हैं और कुछ लड़ाई में जुट जाते हैं। फर्स्ट हाफ में काफ़ी देर तक कहानी को वॉइस ओवर से ही समझाया जाता है जो कनेक्ट पैदा नहीं कर पाती है। दरअसल इस फिल्म में सबसे बड़ी कमी है असलियत की। शर्ट से लेकर किरदारों के डायलॉग तक सब कुछ नकली और बनावटी लग रहा है। सेना से जुड़ी फिल्म बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जब तक देशभक्ति से ओत प्रेत भाषण ना दे तब तक आप सैनिक नहीं हैं, जो इस फिल्म में साफ देखा जा सकता है। चारों तरफ से देशभक्ति के डायलॉग की भरमार है। नोरा फतेही का सिक्वेंस तो बहुत ही बनावटी लगता है लेकिन इन सब के बीच भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अजय देवगन और शरद केलकर अपने किरदारों में चमके हैं। शरद केलकर काफ़ी ओरिजिनल और अपीलिंग नज़र आए हैं। वही बाकी किरदारों के हिस्से में भी भारी भरकम डायलॉग्स हैं जो उन्होंने उसी अंदाज में बोले हैं। कहानी में बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं और इसीलिए कई बार किरदारों को और आवाज़ को समझने के लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि आपको लगातार समझते रहना पड़ता है कि आखिर क्या चल रहा है। हालांकि फिल्म का सेकंड हाफ बढ़िया है जिसमें असली लड़ाई और असली इवेंट साफ नज़र आते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सच्ची घटना से प्रेरित एक मसाला फिल्म जिसमें असली कहानी कम और मसाला ही मसाला हावी हो गया है। देश में इस समय भक्ति की लहर खूब जोर शोर से चल रही है और ऐसे में बॉलीवुड भी उसे भुनाने में पीछे नहीं रहता। भुज भी ऐसी ही कोशिश है, बस इस मसाला एक्शन ड्रामा में असलियत इतनी कम है कि आप प्राउड महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप देशभक्ति की भावना से भरपूर कोई कहानी देखना चाहते हैं तो वो ये फिल्म आप जरूर देखें। साथ ही 1971 की लड़ाई के दौरान 300 महिलाओं के जज्बे की कहानी को सेना की बहादुरी की एक कहानी जरूर देखी जानी चाहिए। हाँ, अगर ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाई गई होती और इसमें कुछ कनेक्ट पैदा करने की कोशिश की जाती तो एक शानदार फिल्म हो सकती थी।
मेरी तरफ से इसकी रेटिंग है 2.5 स्टार अकॉर्डिंग टू न्यूज 18 हिंदी। अजय देवगन अभिनीत अभिषेक दुधैया की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया स्वतंत्रता दिवस से पहले रिलीज हुई है। यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक पीरियड वार ड्रामा है। वर्तमान में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीमिंग फिल्म भारतीय वायुसेना की यात्रा का एक काल्पनिक प्रकथन है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक अजय देवगन भुज हवाई अड्डे के तत्कालीन प्रभारी थे, जिन्होंने अपनी टीम के साथ और माधापार के स्थानीय गांव की 300 महिलाओं की मदद से पाकिस्तानी सेना द्वारा बार बार बमबारी से नष्ट हुए IAF बेस का पुनर्निर्माण किया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय ने दुश्मन सैनिकों को भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश कर रही सेना तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बैकअप में मदद की थी। यह घटना अपने आप में सिनेमा के लिए एक शानदार पहलू है कि कैसे नागरिकों की वीरता ने स्वतंत्रता के बाद से दो पड़ोसी देशों के बीच चल रहे एक क्षेत्रीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण जमीन खो देने से बचने में भारतीय सेना की मदद की। हालांकि यह कहानी सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, फिल्म काफ़ी हद तक लड़खड़ाती नजर आती है और वैसी अमिट छाप नहीं छोड़ पाती जैसी कि इसमें उपेक्षा की जा रही थी। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर, अमी विकर, परिता सुभाष और नोरा फतेही जैसे स्टार कास्ट के साथ फिल्म अद्भुत काम कर सकती थी। कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है वह वास्तविकता से बिल्कुल अलग है और गाने व डांस सीन का अनावश्यक रूप से आना फिल्म के मूड को खराब कर देता है। जहां पीरियड फिल्में और युद्ध नाटक आजकल यथार्थवर्ती अंदाज लेते जा रहे हैं, वही भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इससे थोड़ी दूर है। मुख्य कलाकारों के अलावा बड़े कलाकारों की टीम बिना तैयारी के काम करते महसूस होती है। प्रभावी ढंग से एक युद्ध की कहानी जीवंत नहीं हो पाती। कहानी कहने की शैली अत्यधिक नाटकीय है, जिसमें महिलाएं युद्ध के बीच में टूटे हुए रनवे की मरम्मत करते समय भक्ति गीतों की ओर चली जाती हैं। यह एक सैनिक कई दुश्मन को मार डालता है। फिल्म में बीएफएक्स और एनिमेशन का काम पास करने योग्य है और अजय देवगन, संजय दत्त और एक हद तक शरद केलकर को भी अपनी वीरता दिखाने के लिए पर्याप्त क्षण मिलते हैं। अगर आप एक नए स्वतंत्रता दिवस मनोरंजन की तलाश में हैं, तो वीकेंड का मजा लेने के लिए आप फिल्म देख सकते हैं। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर जैसे शानदार एक्टर से सजी मोस्ट अवेंटेड युद्ध एक्शन फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही फिल्म का ट्रेलर हर तरफ छा गया है। YouTube पर भी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। यह धमाकेदार ट्रेलर देखने के बाद कोई भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत 1971 भुज गुजरात की डेट के साथ होती है, जिसके बाद दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय एयरबेस पर अचानक हमला कर देती है, जिसके बाद भारतीय सेना भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देती दिखाई देती है। ट्रेलर में मिसाइल लॉन्च से लेकर युद्धपोतों पर हमले और बहुत कुछ दिखाया गया है। ट्रेलर में जहां अजय देवगन फुल यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, वही सोनाक्षी सिन्हा देसी और सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। संजय दत्त बेहद रहस्यमय अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म में डांसिंग क्वीन नोरा फतेही भी हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड में अजय द्वारा कौवाई सुवर सुना जा सकता है, जो सभी को अपनी मृत्यु पर शोक न करने के लिए कहते हैं। यह शहादत है जिसे अपने अपने लिए चुना है। यह शहादत है जिसे उसने अपने लिए चुना है। यह फिल्म इसी स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस VIP पर डिजिटल रूप में रिलीज होगी। अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स के अलावा एमी विक्र, नोरा फतेही और शरद केलकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक भारतीय हिंदी भाषा युद्ध एक्शन फिल्म है, जो अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित, सह निर्मित और लिखित ऐतिहासिक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्थापित यह IAF स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक के जीवन के बारे में है, जो भुज हवाई अड्डे के तत्कालीन प्रभारी थे, जिन्होंने और उनकी टीम ने 300 स्थानीय महिलाओं की मदद से वायुसेना के एयरबेस का पुनर्निर्माण किया। फिल्म में अजय देवगन के रूम में कर्डिक के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर, आर्मी विक्र और परिता सुभाष भी हैं।
19 मार्च 2019 को फिल्म की घोषणा करने के बाद यह पुष्ट की गई कि फिल्म में दिखाई गई सच्ची घटना भारत की सबसे आकर्षक युद्ध संबंधी कहानियों में से एक है। प्रधान फोटोग्राफी जून 2019 के अंत में शुरू हुई और इसे हैदराबाद, कच्छ, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता में शूट किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज नहीं होगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दुनिया भर में स्ट्रीम करेगी। यह फिल्म 300 गुजराती महिलाओं की सच्ची कहानी है जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की सहायता की थी। इसमें स्क्वाड्रन लीडर विजय कड़ी के रूप में जय देवगन हैं और भारतीय सेना के स्काउट रणछोड़ दास पंगी के रूप में संजय दत्त हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने सुंदरबन जेठा मधुपर के रूप में हैं और नूरा फतेही जासूस हिना रहमान के रूप में हैं। शरद केलकर सैन्य अधिकारी रघुवीर रैना के रूप में हैं। 19 मार्च 2019 को भारत पाकिस्तान की सच्ची घटनाओं पर भूषण कुमार ने फिल्म की घोषणा की। फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की घटना को दर्शाया गया है जहां गुजरात के भुज में 300 स्थानीय महिलाओं ने नष्ट हुए एयरबेस के पुनर्निर्माण की मदद की थी। अजय देवगन ने विजय कर्णिक को चित्रित किया और यह भी भूमिका उनके लिए एकमात्र विकल्प थे। अन्य कलाकारों में संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, आर्मी विक्र और राणा दग्गुबाती शामिल थे। फिल्म विक्र की दूसरी हिंदी फिल्म है। दक्षिण की अभिनेत्री पुनीता सुभाष ने बाद में इस फिल्म से जुड़कर बॉलीवुड में कदम रखा। प्रीति चोपड़ा को फिल्म में एक जासूस का किरदार निभाने के लिए भी साइन किया गया था लेकिन फिल्म की शूटिंग की तारीखों के कारण उनकी दूसरी फिल्म साइना के साथ क्लैश होने के कारण उन्होंने नवंबर 2019 में फिल्म से बाहर होने का विकल्प चुना। जनवरी 2020 में नूरा फतेही को प्रियंका के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया था। बाद में जनवरी में दग्गुबाती ने सुस्त मुद्दों का हवाला देते हुए फिल्म से बाहर कर दिया और उनकी जगह शरद केलकर ने ले ली। संजय दत्त ने 25 जून 2019 को हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग शुरू की। फिर उन्होंने और अजय देवगन सहित अन्य कलाकारों ने फिल्म के अगले भाग को शुरू करने के लिए भोपाल, इंदौर, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता की यात्रा की। अजय देवगन और सिन्हा पर चित्रित गीत दिसंबर 2019 के अंत में कच्छ में फिल्माया गया था। फतेही ने 12 जनवरी 2020 को अपने हिस्से का फिल्मांकन शुरू किया। अजय देवगन के चित्र का पहला रूप 2 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। जून 19 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जहां अजय देवगन ने घोषणा की कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर विशेष रूप से डिज्नी प्लस हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पहल के हिस्से के रूप में रिलीज होगी जो कि कोविड-19 महामारी के कारण थिएटर बंद होने का परिणाम था। बॉलीवुड का सिनेमा आजकल बड़े दिल से देश के इतिहास को पर्दे पर रच रहा है या उसका फेवरेट विषय हो गया है लेकिन इसमें कुछ सुविधा भी हैं और कुछ दुविधा भी। सुविधा यह कि पन्नों में दर्ज घटना आधारित रेडीमेड कहानी मिल जाती है और दुविधा यह कि कितनी हकीकत दिखाएं और कितना फंसाना। वैसे अच्छी बात यह है कि देश प्रेम की भावनाएं फिलहाल दर्शकों का प्रेम मिलाने की गारंटी बनी हुई हैं। विचार और तर्क लगभग हंसिए पर है। इसी कड़ी में ताज़ा फिल्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आज शाम रिलीज हुई पुश द ब्राइड ऑफ इंडिया। सितारों के लिहाज से इसमें ऐसे नाम हैं जो सहज ही दर्शकों को आकर्षित कर लें। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अपनी डांस प्रतिभा और मासूम खूबसूरती से तमाम दिलों पर इन दिनों राज कर रही नूरा फतेही, इन सबको मिलाकर देखें तो सितारों के बहाने फिल्म के लिए एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन जाती है। राजनीति और समाज में इधर राष्ट्रवाद मुख्य स्वर बना हुआ है। ऐसे में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया उन फिल्मों में से है जिसका इंतजार किया जा रहा था। यह बनी तो बड़े पर्दे के लिए थी मगर कोविड संकट के कारण सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच सकी। अधिक विलंब ना करते हुए अब इसे छोटे स्क्रीन पर उतारा गया है। फिल्म 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर लगातार पश्त पड़ते पाकिस्तान के हुक्मरानों सेना अधिकारियों ने सोचा कि भारत पर पश्चिम दिशा से हमला किया जाए। मोर्चे पर लड़ना भारत के लिए संभव नहीं होगा, अतः पश्चिम में जीत हासिल करके पूर्वी मोर्चे की सौदेबाजी की जाएगी क्योंकि यह बात उन्हें समझ आ चुकी थी कि पूर्वी पाकिस्तान उनके हाथ से निकल गया है, उसकी जगह बांग्लादेश बनेगा। अतः आखिरी उम्मीद पालते हुए पाकिस्तानी तानशाह और सेनाध्यक्ष शहयान खाना का संवाद था कि पश्चिम में अप्रत्याशित हमले से राजस्थान और गुजरात के इलाकों को जीत कर वह भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ दिल्ली में चाय पियेंगे, बांग्लादेश के एवज में कुछ मेल भाव करेंगे। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में यह सब विस्तार से समझाया और दिखाया गया है। पाकिस्तान ने अपने इन नापाक इरादों के साथ राजस्थान, पंजाब और गुजरात की हवाई पट्टियों पर बम बरसाए थे।
खासतौर पर कच्छ स्थित भुज की हवाई पट्टी पर सैकड़ों बम कर उसे पूरी तरह से बेकार कर दिया गया था, ताकि पाकिस्तान का जमीनी हमला हो भारतीय विमान उसे रोकने के लिए वहां न उड़ पाए। हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह और कई हवाई ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की कहानी मुख्यतः भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक के बहादुरी और दूरदर्शी फैसलों की बात करती है। जब पाकिस्तानी हमले से डरकर हवाई पट्टी बनाने वाले इंजीनियर भाग गए, दर्जनों सैनिक घायल होकर अस्पताल पहुंच गए, तो उन्होंने पास के गांव के करीब 300 स्त्री पुरुषों की मदद से रातों रात फिर से हवाई पट्टी तैयार करा दी, जिससे सैनिकों को लाया वायुसेना का विमान उतर सका और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया गया। आम लोगों द्वारा जान पर खेलकर बनाई इस हवाई पट्टी ने न केवल वायुसेना का हौसला बुलंद किया, बल्कि पूरी आन बान शान से देश की जीत का इतिहास भी स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। फिल्म बताती है कि आम आदमी समय आने पर कैसे अपना घर बार त्याग कर देश और सेना के साथ खड़ा हो जाता है। विजय कर्डिक के रोल में अजय देवगन जमे हैं। अपनी आंखों से अभिनय करने वाले अजय यहाँ भी दर्शक में भावनाओं का ज्वार पैदा करने में कामयाब हैं। फौज की मदद करने वाले राह की सदस्यता पाए बहादुर ग्रामीण रछोड़ दास पंगी बने संजय दत्त ने अपनी चिर परिचित शैली में बढ़िया संवाद बोले हैं। उनका एक्शन भी जबरदस्त है। निश्चित ही सिनेमाघर में उन्हें इस काम के लिए तालियां मिलती हैं। सोनाक्षी सिन्हा अपने रोल को निभाने में कामयाब रही हैं, मगर नोरा फतेही अपनी छोटी सी भूमिका में छाप छोड़ जाती हैं। फिल्म को भव्य ढंग से शूट किया गया है और कैमरा वर्क जबरदस्त है। VFX ने हवाई हमलों और युद्ध के दृश्य में जान डाली है। एडिटिंग कसी हुई है और देखने वाले को पता नहीं लगता कि समय कब तेज हवा की तरह गुजर गया। स्क्रिप्ट में जरा दम होता तो फिल्म का प्रभाव अधिक हो सकता था। रोचक बात है कि इसे 4 लोगों ने मिलकर लिखा है। टीवी के लिए कई सीरियल बना चुके अभिषेक दुधैया पहली बार बॉलीवुड में बतौर निर्देशक उतरे हैं और भव्य फिल्म बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने फिल्म को इतना अधिक तथ्यपरक रखा है कि कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्री जैसा फील कराती है। वार फिल्म होने के बावजूद निर्देशक ने इसमें गीत संगीत को भी पर्याप्त जगह दी है। अच्छा यह है कि कहानी में यह गाने रिकॉर्ड नहीं बनते। इस 15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अपनी सेनाओं के शौर्य पर गर्व जगाने वाली यह सटीक फिल्म है। बीते साल कोरोना संक्रमण से पहले रिलीज हुई फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर जिस एक चीज के लिए बरसों बरस मिसाल के तौर पर याद की जाएगी वह है इसके विजुअल इफेक्ट्स। इन्हें बनाने वाली कंपनी अजय देवगन की ही है, NYVFX वाला। इसी कंपनी ने भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के विजुअल इफेक्ट्स भी तैयार किए हैं। फर्क बस फिल्म के निर्देशक का है। टीवी पर हजारों एपिसोड बना चुके मुकेश दुधैया उर्फ अभिषेक दुधैया ने अपनी डेब्यू फिल्म में जो किया है उसके लिए अजय देवगन के फैंस उन्हें अरसे तक माफ नहीं करेंगे। देशभक्ति दिलेरी और धरती का कदम दिखाने वाली एक अच्छी खासी कहानी का उन्होंने 4-4 पड़कता लेखों के चलते पूरा गुड़ गोबर कर दिया है। कम लोगों को ही पता होगा कि भुज की जिस हवाई पट्टी को रातों रात बनाकर भारतीय वायुसेना का विमान वहां उतारने के लिए भुज एयरबेस के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक ने आसपास के गांव की महिलाओं की मदद ली थी, उसे पूरा गोबर से लीपा गया था ताकि पाकिस्तानी विमानों को आसमान से नजर न आ सके। हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है और शुरू में इस बात का जिक्र भी है कि फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं का वास्तविक चित्रण नहीं है। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से अजय देवगन के फैंस को काफ़ी उम्मीद दे रही हैं। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने के लिए तैयार हो रही फिल्म साल भर बाद उसी मौके पर रिलीज हुई लेकिन इस बीच इनके नमक में आयोडीन उड़ चुका है। बड़ी फिल्मों को सीधे OTT पर रिलीज करने के डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पिछले साल घोषित उपक्रम फर्स्ट डे फर्स्ट शो की होम डिलीवरी की पहली सीरीज की आखिरी फिल्म है। इस सीरीज के अधिकतर फिल्मों का हासर ऐसा ही रहा सिवाय लूट केस और बिग बुल के। सीरीज की 2 फिल्में सड़क 2 और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में संजय दत्त दिखे और दोनों फिल्में औसत से भी खराब फिल्में रही। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को कुछ देर रक्षा मंत्री राज सिंह ने भी देखा और अजय देवगन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। फिल्म को वर्तमान शायद उनको भी अच्छा नहीं लगा। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अच्छी है भी नहीं। एक तो किसी फिल्म की कहानी जब इसके हीरो को सुनानी पड़े तो कड़वता की कमजोरियों का पर्दाफाश वही हो जाता है। फिल्म के निर्देशक शुरू के 40 मिनट तक तो समझ ही नहीं पाते कि फिल्म को किस करवट बिठाना है और इस चक्कर में झूला झूलती फिल्म हाथ से निकल जाती है। भुज की हवाई पट्टी के जिस मूल कथानक पर फिल्म बनी है वह फिल्म के आखिरी 40 मिनट में है
और उसके बाद भी फिल्म बहुत बचकाने लगती है। फिल्म शेरशाह की तरह यहाँ भी दिक्कत वही है कि निर्माताओं को देशभक्ति के तड़के से फिल्म बेचनी है, लेकिन देशभक्ति का तड़के के मसाले हर बार एक जैसे नहीं हो सकते। फिल्म भुजता प्राइड ऑफ इंडिया देखने के बाद तो शेरशाह भी फिल्म बेहतर लगने लगी है। अजय देवगन की फिल्म भुजता प्राइड ऑफ इंडिया अपने पहले शार्ट से ही खराब इफेक्ट्स के चलते पकड़ खो देती है। फिल्म अभिनय के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी नहीं है। नोरा फतेही का पूरा ट्रैक देख कर यूँ लगता है कि टी सीरीज ने फिल्म में पैसा सिर्फ इसी हिस्से के लिए लगाया गया है। वह आइटम नंबर के लिए ही ठीक है, एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है। यही हाल परिता सुभाष का है। मराठी हीरो के पंजाबी गाने में देखी परिता फिर क्लाइमैक्स के रोल चलाती दिखती हैं। इधर कुछ फिल्मों में अजय देवगन की पत्नियां बनने वाली नायिकाओं का फुटेज हिंदी सिनेमा में लगातार कम होता जा रहा है। ये एक शोध का विषय भी हो सकता है। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में अच्छा काम किया है। गुजराती बाला की बहादुरी दिखाने में भले उन्होंने नकली तेंदुआ पर्दे पर मारा हो, लेकिन उनके हाव भाव तारीफ के काबिल हैं। शरद केलकर, संजय दत्त, महेश शेट्टी जैसे कलाकारों ने फिल्म की फील्डिंग ठीक से जमा तो ली, लेकिन असली पिच ही यहाँ कमज़ोर निकली। फिल्म में एमी विक्रम के एयरफोर्स पायलट के तौर पर काम किया। फिल्म पटकथा, अभिनय, निर्देशन, तकनीकी पक्ष के अलावा अपने संगीत में भी मात खाती है। 1971 के मराठी नायक पर पंजाबी गाना फिल्मा कर ही इसके निर्देशन में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बाकी रही से ही कसर पूरी कर दी है क्लाइमैक्स में बजने वाले इसके बेहद बचकाने गाने। कोशिश या हकीकत के गाने कर चले फिदा जा और वतन साथियों की नकल करने की है, लेकिन कैफी अजमी बनने के लिए असल की शायरी पर जिंदा रहना होता है। हाँ, गाँव की महिलाओं के सामने सुनाई गई कविता अच्छी है। फिल्म को कुल मिलाकर जो एक स्टार मिलता है वह है इसके हीरो अजय देवगन की बहादुरी के लिए कि अपने बेहतरीन दौर में उन्होंने सिर्फ देशभक्ति फिल्म के नाम पर यह फिल्म करने की हिम्मत जुटा ली। अपने हिस्से का काम भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म देखना किसी चुनौती से कम नहीं है। भुजता प्राइड ऑफ इंडिया 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक अविश्वसनीय अध्याय की कहानी है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों के उत्पीड़न से लाखों लोगों की मौत हुई। असंख्य लोग हत्याओं से बचने के लिए भारत की ओर पलायन करते हैं, इसलिए भारत भी इस संघर्ष में शामिल हो जाता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान पश्चिमी तरफ भारत के डिफेंस बेस पर हमला करने लगता है। 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना ने अचानक भुज एयरबेस पर हमला किया। कमांडिंग ऑफिसर विजय कर्णिक, अजय देवगन और बाकी सभी इससे हैरान रह जाते हैं। इस हमले में कई लोगों की जान चली जाती है और हवाई पट्टी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान सूरजबाड़ी और बनासकठा पोलो और भुज की ओर जाने वाली प्रमुख 5 सड़कों को भी नष्ट कर देता है। नतीजन भुज और कच्छ देश के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं। भारतीय वायुसेना में विमान भी नहीं उतर सकते क्योंकि हवाई पट्टी नष्ट हो गई है और इसकी मरम्मत करने वाले इंजीनियर भाग गए हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भुज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रही है। इस समस्या का एकमात्र उपाय यह है कि किसी भी कीमत पर रात भर हवाई पट्टी की मरम्मत की जाए। आगे क्या होता है यह बाकी की फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा बिभोरिया की कहानी आकर्षक है और अधिकांश लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। अधिकांश दर्शकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह की घटना हुई और आम नागरिकों ने भी युद्ध में सेना की मदद की। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा बिभोरिया की पटकथा मिश्रित है। फर्स्ट हाफ में कहानी में ज़्यादा विकास नहीं होता है, लेकिन सेकेंड हाफ में लेखक अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। क्लाइमैक्स खासतौर पर बहुत सोच समझकर बनाया गया है। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा भवोरिया के डायलॉग मनोज मुंतशिर द्वारा अतिरिक्त संवाद ताली बजाने योग्य हैं। ग्रामीणों को समझाते हुए अजय देवगन का मोनोलॉग दिल को छू लेने वाला है। अभिषेक दुधैया के निर्देशन में कुछ कमियाँ हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह ठीक है। खूबियों की बात करें तो वह फिल्म के पैमाने को बाखूबी संभालते हैं। कुछ नाटकीय और एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से हैंडल किया गया है और यह प्रभाव को भी बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ वन टेक एक्शन दृश्य मनोरंजन बढ़ाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स उत्सुकता बढ़ाने वाला है और यह वास्तव में फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब इस फिल्म की कमियों की बात करें तो किरदारों को अच्छी तरह से समझाया नहीं गया है।
सभी प्रमुख किरदारों का परिचय बहुत तेज है। एक आम आदमी के लिए इतनी अधिक जानकारी स्टोर करना बहुत अधिक होगा। इसके अलावा संभवतः फिल्म की लंबाई कम करने के लिए जगह जगह से कई सीन को काटा गया है जो आसानी से समझ आता है। कई एक्शन दृश्यों में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। क्लाइमैक्स में खाई मिरर छोड़कर दृश्य जनता को पसंद आएगा, लेकिन इसे बचाना मुश्किल है। साथ ही फर्स्ट हाफ में कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह वंचित प्रभाव डालने में विफल रहते हैं। बुज द प्राइड ऑफ इंडिया के पहले 5 मिनट एक असेंबल के माध्यम से संदर्भ की व्याख्या करते हैं और साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनकी दुष्ट योजना पर चर्चा करने के दृश्य साथ शुरू होते हैं। इसके ठीक बाद थोड़ा ओवर हो जाता है, लेकिन संघर्ष को समझने में मदद करता है भुज एयरबेस पर हमले का दृश्य चौंकाने वाला है, लेकिन जल्द ही फिल्म फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। यहाँ बहुत से किरदारों से परिचय कराया जाता है और यह भी कुछ और सा लगने लगता है। हिना रहमानी नोरा फतेही का ट्रैक एक बड़ी राहत के रूप में सामने आता है। उनका वन टेक मिरर एक्शन सीन फिल्म के बेहतरीन सीन में से एक है। सेकंड हाफ में कहानी में एक निश्चित ठहराव सा आता है। साथ ही सुंदर बहन सोनाक्षी सिन्हा का परिचय फिल्म में बहुत कुछ जोड़ता है। फिल्म के बेस्ट सीन लास्ट के 20-25 मिनट के लिए रिजर्व रहते हैं, जिसमें से हवाई जहाज के लैंडिंग दृश्य बाजी मार ले जाते हैं। अजय देवगन ने एक आयामी किरदार निभाया है, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से वह पहले दर्जे का है और कुछ दृश्यों का लेवल बढ़ाता है। उनका स्लो मोशन वाम विशेष रूप से काफ़ी रोमांचक है और इसमें सिनेमाघरों में हंगामा मच जाता है। संजय दत्त भी एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसकी पिछली कहानी तो ठीक से समझाई नहीं गई लेकिन फिर भी वह अपने रोल में जचते हैं, खासकर लड़ाई के दृश्यों में। सोनाक्षी सिन्हा ने देर से एंट्री ली, लेकिन वह फिल्म का सरप्राइज है। नोरा फतेही अपने अभिनय और एक्शन सीन से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनका एक्शन सीन मुख्य आकर्षण में से एक है। शरद केलकर आर के नायर हमेशा की तरह भरोसेमंद हैं। एमी विक्र विक्रम सिंह बाज अच्छे लगते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। पर्दा सुभाष इहाना ढिल्लो और महेश शेट्टी से ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है। नवनी परिहार निष्पक्ष हैं। जनरल वैखन खान हिना रहमानी के पदे मोहम्मद हुनैस ओमानी विंग कमांडर ए साहू मुख्तार बेग और तैमूर रिजवी की भूमिका निभाने वाले कलाकार ठीक हैं। संगीत ठीक है और इसमें गानों की गुंजाइश नहीं है। वास्तव में रम्मो रम्मो भाई भाई और यहाँ तक कि प्रसिद्ध जालिमा कोका कला ट्रैक जैसे कुछ गाने गजब हैं। हंजुगम भुलाने योग्य है, लेकिन मेरे देश दिल को छूता है, सोनाक्षी सिन्हा है सुर मालिक हिदाता का भक्ति गीत शक्तिशाली है लेकिन थोड़ा हटकर लगता है। अमर मोहल्ले का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। अजीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली है। कुछ शॉट्स असाधारण के रूप में हैंडल किए जाते हैं। हीरोइन के मामले में अर्चना मिश्रा की वेशभूषा वास्तविक और ग्लैमरस लगती है। नरेंद्र राहुलीकर का प्रोडक्शन डिजाइन विस्तृत है। आर पी यादव और पीटर हेन का एक्शन मनोरंजक और भव्य है। एन वाई बीफेक्स वाला का बीफेक्स एक अच्छे स्तर का है। कुछ दृश्य अच्छे नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर बीफेक्स टीम प्रशंसा की पात्र है। धर्मेंद्र शर्मा की एडिटिंग थोड़ी तेज और बेतरतीब है। कुल मिलाकर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास से एक अविश्वसनीय कहानी को दर्शाती है। प्रदर्शन बेहतरीन है। सेकंड हाफ में फिल्म का रोमांचक स्तर बढ़ जाता है और उत्साहित क्लाइमैक्स फिल्म का हाई पॉइंट है। इस पैमाने पर बनी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होना चाहिए था, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर बनाए दृश्यों से भारी होती है जो दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा करती है। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन पर विजय पाने वाले रियल सुपर हीरो स्क्वाडन लीडर विजय गढ़ी की रियल लाइफ की कहानी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया रू पहले पर्दे पर उतारी है। हाउ इज द जोश फिल्म उरी में आपने जाबाज जवानों को देखकर हिंदुस्तानी का जोश हाई हो ही जाता है। हमारी सेना के शौर्य की न जाने कितनी अनसुनी कहानियाँ, कितने ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं। यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भुज गुजरात के माधापुर इलाके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। स्क्वाडन लीडर विजय गढ़िक ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए वहां रहने वाली 300 महिलाओं के साथ मुश्किलों से जूझते हुए एयर ट्रिप को वापस तैयार किया, जिसमें प्लेन में सवार सेना के जवान सुरक्षित लैंड हो सके।
विजय कर्णिक ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस युद्ध अहम भूमिका निभाई थी। हौसले और जज्बे की इसी ट्रू स्टोरी को डायरेक्टर अभिषेक दुधैया फर्स्ट द प्राइड ऑफ इंडिया में एक बार फिर जिंदा करने जा रहे हैं। स्क्वाड लीडर विजय कर्णिक के लीड रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में संजय दत्त, पंगी, रणछोड़ दास। स्क्वाड लीडर विजय कर्णिक के लीड रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में संजय दत्त, पंकी, रणछोड़ दास, सवा भाई रवारी का किरदार निभाएंगे। पंगी एक ऐसा शख्स है जो पैरों के निशान से किसी इंसान की हाइट, जेंडर और वजन बता सकता है। फिल्म की बाकी कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोनाक्षी सिन्हा, सुंदर बेन, जेठ मधा पराया के रोल में हैं, जिन्होंने वहां की औरतों के साथ वार सिचुएशन में एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया था। पाक के इसी ताबड़तोड़ हमले ने भुज के एयर ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। एयर ट्रिप वो हिस्सा होता है जहां प्लेन लैंड होने के बाद कुछ दूरी तक दौड़ता है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक इसी भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। पाकिस्तान युद्ध के इस षड्यंत्र को एक खास ऑपरेशन का नाम दिया गया था। एक ही रात में पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों से पूरा एयर ट्रिप तबाह कर दिया। ऐसे में विजय कर्णिक ने पास के ही एक गांव माधापुर की 300 महिलाओं की मदद ली। वही पंडिती चोपड़ा में रहने वाली एक सिपाही के किरदार में नजर आएंगी। बिघा कोट चौकी पर तैनात मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में राणा दगुबाते से बेहतरीन एक्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। फिल्म को भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है। वार बैकड्रॉप पर बनने जा रही इस फिल्म में पिक्चराइजेशन, प्रोडक्शन और स्टारकास्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। उन्नीस सौ इकहत्तर की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमला कर भारतीय वायुसेना के भुज एयरबेस पर हमला कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ऐसे में भुज के गांव की 300 महिलाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वायुसेना के इस बेस की हवाई पट्टी को फिर से बनाने का काम किया था। 15 अगस्त को इस साल हम आज़ादी का 75वां जश्न मनाएंगे और ऐसे में बॉलीवुड की दो देशभक्ति की भावना से भरी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की शेरशाह एक दिन पहले अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है और कुछ देर पहले ही अजय देवगन के प्रोडक्शन की मल्टी स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म 1971 में पाकिस्तान की भारत के कच्छ पर कब्जे की नाकाम कोशिश को बयां करती है। ये कहानी सिर्फ सेना की ही नहीं बल्कि नागरिकों के जज्बे और उनकी बहादुरी की कहानी भी दिखाती है। जाने आखिर कैसी है ये फिल्म। कहानी 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमला कर भारतीय वायुसेना के भुज एयरबेस पर हमला कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इतना ही नहीं, कच्छ पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी ने कच्छ को हिंदुस्तान से जोड़ने वाले सभी रास्तों को भी बर्बाद कर दिया था। ऐसे में भुज के एक गांव माधापुर की 300 महिलाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वायुसेना के इस बेस की हवाई पट्टी को महज 72 घंटे में फिर से बनाने का काम किया था। इन महिलाओं को अपनी मदद के लिए तैयार किया गया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिका ने ये युद्ध की एक ऐसी ही कहानी है जो आपके दिल को गर्व की भावना से भर देगी। निर्देशक अभिषेक दुधैया की फिल्म भुज यूथ तो एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें संजय दत्त से लेकर शरद केलकर और सोनाक्षी सिन्हा तक कई स्टार हैं, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह अजय देवगन को फोकस में रखकर बनाई गई है। वही हीरो हैं और ये साफ है कि फिल्म की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि भले ही सच्ची घटनाओं पर बनी यह फिल्म है, लेकिन इसमें मनोरंजन के आधार पर पटकथा लेखन से स्वतंत्रता ली गई है। कहानी की शुरुआत ही होती है पाकिस्तान की हुकूमत के मंसूबों को दिखाते डायलॉग और भुज एयरबेस पर पाकिस्तानी सेना के हमले से। इस हवाई हमले से बेखबर भारतीय वायुसेना के जवान अचानक जान बचाने के लिए भागते हैं और कुछ लड़ाई में जुट जाते हैं। फर्स्ट हाफ में काफ़ी देर तक कहानी को वॉइस ओवर से ही समझाया जाता है जो कनेक्ट पैदा नहीं कर पाती है। दरअसल इस फिल्म में सबसे बड़ी कमी है असलियत की। स्टर से लेकर किरदारों के डायलॉग तक सब कुछ नकली और बनावटी लग रहा है। सेना से जुड़ी फिल्म बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जब तक देशभक्ति से ओत प्रेत भाषण ना दे तब तक आप सैनिक नहीं हैं, जो इस फिल्म में साफ देखा जा सकता है। चारों तरफ से देशभक्ति के डायलॉग की भरमार है। नोरा फतेही का सिक्वेंस तो बहुत ही बनावटी लगता है लेकिन इन सब के बीच भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अजय देवगन और शरद केलकर अपने किरदारों में चमके हैं। शरद केलकर काफ़ी ओरिजिनल और अपीलिंग नज़र आए हैं।
वहीं बाकी किरदारों के हिस्से में भी भारी भरकम डायलॉग्स हैं जो उन्होंने उसी अंदाज में बोले हैं। कहानी में बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं और इसीलिए कई बार किरदारों को और आवाज़ को समझने के लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि आपको लगातार समझते रहना पड़ता है कि आखिर क्या चल रहा है। हालांकि फिल्म का सेकंड हाफ बढ़िया है, जिसमें असली लड़ाई और असली इवेंट साफ नज़र आते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सच्ची घटना से प्रेरित एक मसाला फिल्म, जिसमें असली कहानी कम और मसाला ही मसाला हावी हो गया है। देश में इस समय भक्ति की लहर खूब जोर जोर से चल रही है और ऐसे में बॉलीवुड भी उसे भुनाने में पीछे नहीं रहता। भुज भी ऐसी ही कोशिश है, बस इस मसाला एक्शन ड्रामा में असलियत इतनी कम है कि आप प्राउड महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप देशभक्ति की भावना से भरपूर कोई कहानी देखना चाहते हैं तो वो ये फिल्म आप जरूर देखें। साथ ही 1971 की लड़ाई के दौरान 300 महिलाओं के जज्बे की कहानी को सेना की बहादुरी की ये कहानी जरूर देखी जानी चाहिए। हाँ, अगर ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाई गई होती और इसमें कुछ कनेक्ट पैदा करने की कोशिश की जाती तो एक शानदार फिल्म हो सकती थी। मेरी तरफ से इसकी रेटिंग है 2.5 स्टार अकॉर्डिंग टू न्यूज 18 हिंदी। अजय देवगन अभिनीत अभिषेक दुधैया की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया स्वतंत्रता दिवस से पहले रिलीज हुई है। यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक पीरियड वार ड्रामा है। वर्तमान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग फिल्म भारतीय वायुसेना की यात्रा का एक काल्पनिक पुरकथन है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्डिक अजय देवगन भुज हवाई अड्डे के तत्कालीन प्रभारी थे, जिन्होंने अपनी टीम के साथ और माधापार के स्थानीय गांव की 300 महिलाओं की मदद से पाकिस्तानी सेना द्वारा बार बार बमबारी से नष्ट हुए IAF बेस का पुनर्निर्माण किया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय ने दुश्मन सैनिकों को भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश कर रही सेना तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बैकअप में मदद की थी। यह घटना अपने आप में सिनेमा के लिए एक शानदार पहलू है कि कैसे नागरिकों की वीरता ने स्वतंत्रता के बाद से दो पड़ोसी देशों के बीच चल रहे एक क्षेत्रीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण जमीन खो देने से बचने में भारतीय सेना की मदद की। हालांकि यह कहानी सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, फिल्म काफ़ी हद तक लड़खड़ाती नज़र आती है और वैसी अमिट छाप नहीं छोड़ पाती जैसी कि इसमें उपेक्षा की जा रही थी। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर, अमी विकर, परिता सुभाष और नोरा फतेही जैसे स्टार कास्ट के साथ फिल्म अद्भुत काम कर सकती थी। कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है वह वास्तविकता से बिल्कुल अलग है और गाने व डांस सीन का अनावश्यक रूप से आना फिल्म के मूड को खराब कर देता है। जहाँ पीरियड फिल्में और युद्ध नाटक आजकल यथार्थवर्ती अंदाज लेते जा रहे हैं, वही भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इससे थोड़ी दूर है। मुख्य कलाकारों के अलावा बड़े कलाकारों की टीम बिना तैयारी के काम करते महसूस होती है। प्रभावी ढंग से एक युद्ध की कहानी जीवंत नहीं हो पाती। कहानी कहने की शैली अत्यधिक नाटकीय है, जिसमें महिलाएं युद्ध के बीच में टूटे हुए रनवे की मरम्मत करते समय भक्ति गीतों की ओर चली जाती हैं। यह एक सैनिक कई दुश्मन को मार डालता है। फिल्म में बेफेक्स और एनिमेशन का काम पास करने योग्य है और अजय देवगन, संजय दत्त और एक हद तक शरद केलकर को भी अपनी वीरता दिखाने के लिए पर्याप्त क्षण मिलते हैं। अगर आप एक नए स्वतंत्रता दिवस मनोरंजन की तलाश में हैं तो वीकेंड का मजा लेने के लिए यह फिल्म देख सकते हैं। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर जैसे शानदार एक्टर से सजी मोस्ट अवेंटेड युद्ध एक्शन फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही फिल्म का ट्रेलर हर तरफ छा गया है। यूट्यूब पर भी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। यह धमाकेदार ट्रेलर देखने के बाद कोई भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत 1971 भुज गुजरात की डेट के साथ होती है, जिसके बाद दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय एयरबेस पर अचानक हमला कर देती है, जिसके बाद भारतीय सेना भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देती दिखाई देती है। ट्रेलर में मिसाइल लॉन्च से लेकर युद्धपोतों पर हमले और बहुत कुछ दिखाया गया है। ट्रेलर में जहां अजय देवगन फुल यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं, वही सोनाक्षी सिन्हा देसी और सिंपल लुक में नज़र आ रही हैं। संजय दत्त बेहद रहस्यमय अंदाज में नज़र आ रहे हैं। फिल्म में डांसिंग क्वीन नोरा फतेही भी हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड में अजय द्वारा कवाई सुवर सुना जा सकता है, जो सभी को अपनी मृत्यु पर शोक न करने के लिए कहते हैं। यह शहादत है जिसे अपने लिए चुना है।
यह शहादत है जिसे उसने अपने लिए चुना है। यह फिल्म इसी स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस VIP पर डिजिटल रूप में रिलीज होगी। अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स के अलावा एमी विक्र, नोरा फतेही और सुद किलकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक भारतीय हिंदी भाषा युद्ध एक्शन फिल्म है जो अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित, सह निर्मित और लिखित ऐतिहासिक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्थापित यह IAF स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्ड़े के जीवन के बारे में है जो भुज हवाई अड्डे के तत्कालीन प्रभारी थे, जिन्होंने और उनकी टीम ने 300 स्थानीय महिलाओं की मदद से वायुसेना के एयरबेस का पुनर्निर्माण किया। फिल्म में अजय देवगन के रूप में कर्ड़िक के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर, आर्मी विक्र और प्रणीता सुभाष भी हैं। 19 मार्च 2019 को फिल्म की घोषणा करने के बाद यह पुष्ट की गई कि फिल्म में दिखाई गई सच्ची घटना भारत की सबसे आकर्षक युद्ध संबंधी कहानियों में से एक है। प्रधान फोटोग्राफी जून 2019 के अंत में शुरू हुई और इसे हैदराबाद, कच्छ, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता में शूट किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज नहीं होगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दुनिया भर में स्ट्रीम करेगी। यह फिल्म 300 गुजराती महिलाओं की सच्ची कहानी है जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की सहायता की थी। इसमें स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्ड़े के रूप में अजय देवगन हैं और भारतीय सेना के स्काउट रणछोड़ दास पंगी के रूप में संजय दत्त हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने सुंदरबन जेठा मधुपर के रूप में हैं और नोरा फतेही जासूस हिना रहमान के रूप में हैं। शरद केलकर सैन्य अधिकारी रघुवीर रैना के रूप में हैं। 19 मार्च 2019 को भारत पाकिस्तान की सच्ची घटनाओं पर भूषण कुमार ने फिल्म की घोषणा की। फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की घटना को दर्शाया गया है जहां गुजरात के भुज में 300 स्थानीय महिलाओं ने नष्ट हुए एयरबेस के पुनर्निर्माण की मदद की थी। अजय देवगन ने विजय कर्ड़े को चित्रित किया और यह भी भूमिका उनके लिए एकमात्र विकल्प थे। अन्य कलाकारों में संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, आर्मी विक्र और राणा दग्गुबाती शामिल थे। फिल्म विक्र की दूसरी हिंदी फिल्म है। दक्षिण की अभिनेत्री पुनीता सुभाष ने बाद में इस फिल्म से जुड़कर बॉलीवुड में कदम रखा। प्रीति चोपड़ा को फिल्म में एक जासूस का किरदार निभाने के लिए भी साइन किया गया था।